हेलो हेलो वन टू फोर वन टू फोर वन टू फोर वन टू फोर हेलो हेलो वन हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में अब एक बात तो ये बताओ सबसे पहले हमारे पास खत्म हो गया है अभी तक भाई हाँ ठीक है इसी के अंदर है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल रेशो कैपिटल बस्टिंग कल वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन कौन कौन बच्चे कर चुके हैं वो बताइए कौन कौन बच्चे कल वाले चैप्टर के क्वेश्चन कर चुके हैं आकाश कह रहे हैं सर आज आप हैंडसम दिख रहे हैं एकदम कड़क बहुत बढ़िया बेटे थैंक यू <laughs> गुप्ता इमाओ नाइस स्ट्रेटजी थ्रो और गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एम के मंगला तीक्षा मिश्रा आरुषी और विजाउद्दीन हसन या फाइंड वनीश विपिन सबको गुड मॉर्निंग विपिन ने पूरे पूरे पांच चैप्टर कर लिए फ्यूचर सी एस सी एस विशाल राज ने पूरे कर लिए वेदिका का रेशो वर्किंग कैपिटल डन है निखिल का डन है दिव्यम का डन है रितेश दीपिका रेखा ओल्डन और जी आपके पास कल सुबह वाले तक हो गए बाकी आज पूरा कर लेंगे बहुत बढ़िया और जी अब तक के चैप्टर हो गए रेशो स्टार्ट किया है इवनप्रीत ने प्रशांत ने बहुत बढ़िया यानी सारे के सारे बच्चे बिल्कुल फिटफाट चल रहे हैं एकदम बढ़िया <coughs> देखिएगा आज पूरी एफएम खत्म हो जाएगी उसके बाद में बचेगा एक थ्योरी वाला पोर्शन तो जो थ्योरी वाले पोर्शन की बात है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास सिंपल सा एक तरीका रहेगा थ्योरी आती है फाइव टू टेन मार्क्स अगर आ गई तो बाकी उसकी कोई वेटेज नहीं है और वो थ्योरी बिल्कुल फिक्स एरिया से आती है एफ का चैप्टर नंबर वन और टू है बेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एफ और दूसरा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो वो मैं एक सिंगल वीडियो डाल दूंगा आठ नौ तारीख को जैसे बूस्टर दोनों खत्म हो जाएंगे उससे आपका काम खत्म हो जाएगा उसमें सारे जितने भी स्टडी मैट के एमसीक्यू हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एफएम आप मान के चलिए कि आज आपका दी एंड हो जाएगा इसके क्वेश्चन कर लीजिए फिर जितनी बार रिविजन कर सकते हैं करिए इससे शानदार इससे आसान रिवीजन नहीं हो सकता जिसमें कंसेप्ट भी पूरे हो जाएं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाएं, जिसमें सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके अलावा आपको अगर लगता है कि कुछ और एडिशनल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपके पास टाइम है तो ओब्वियसली आपको करने चाहिए जैसे मान लीजिए बच्चों को लगता है कि हम स्टडी मैट को गो थ्रू करना चाहते हैं बिल्कुल करिए बच्चों को लगता है कि आरटीपी एम टी ये सब पुराने वाले भी उठा के करने हैं बिल्कुल करिए ये आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए इसमें कोई दो नहीं है ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं आज एक तो हम उठा रहे हैं यहां पर सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है उसी का एक हिस्सा है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और दूसरा लीवरेज छोटे छोटे से चैप्टर है बहुत और मजा आने वाला है इसमें तो कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस लाइव चैट को मैं बंद कर रहा हूं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ जी देखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है उसके अंदर आपके पास कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई है आज शाम को वो भी होगा दूसरे सेशन में और एक ईबीआईटी और ईपीएस का लिंक दिया गया है तो ईबीआईटी ईपीएस वाले हिस्से से और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के हिस्से से दोनों में से किसी एक हिस्से से एक क्वेश्चन जरूर बनता है तो चैप्टर नंबर वन कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटीपीएस वाला और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एक चैप्टर और करेंगे हम इन दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन जरूरी आएगा कई बार दोनों में से आ जाता है तो हमने दोनों को सेपरेट किया हुआ है स्टडी मैट में ये एनालिसिस आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर मिलेगा तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमें कुछ नहीं करना हमारे पास यहां पर सिनेरियो ये बनेगा कि देखो सोर्सिज ऑफ फंड है ये हमारे पास बिजनेस है ठीक है जी बिजनेस के अंदर हमें पैसा लगाना है एप्लीकेशन ऑफ फंड तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में एक अमाउंट आएगी कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कहाँ इन्वेस्ट करने हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है वो फिक्स एसेट्स में वो प्रोजेक्ट में किसी में ही लग सकते हैं तो जैसे पचास लाख रुपए लगाने हैं हमें एक प्रोजेक्ट के अंदर ये डेट आपको मिलेगा और इस पर रिटर्न कितनी आएगी आर कितना आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड वो भी क्वेश्चन आपको बता देगा जैसे आर आ रही है ट्वेंटी ई EBIT आपका दस लाख रुपए आएगा तो हमारे को पचास लाख रुपए कहीं पर लगाने हैं जिसमें हमारे पास दस लाख रुपए का ई आएगा इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि अब हम इस पचास लाख को अरेंज कैसे करें तो हमारे पास दो तीन अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर वन के सारा पैसा इक्विटी से मंगवा लो कैपिटल स्ट्रक्चर टू के भाई पैसा इक्विटी और डेट से फिफ्टी फिफ्टी मंगवा लो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्री के भाई इक्विटी और प्रीफ्रेंस से फिफ्टी फिफ्टी मंगवा लो तो ऐसे अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन होंगे हमें सिंपली क्या करना है जैसे तीन ऑप्शन है तो ई बी आई टी से शुरू करना है और ईपीएस तक पहुंचना है कई बार पी रेशो भी दिया जाएगा पी रेशो दिया जाएगा तो एमपीएस तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास हम ये चेक करेंगे कि ईपीएस और एमपीएस कहां पर ज्यादा है तो आप ईबीआईटी से शुरुआत करेंगे ईपीएस तक पहुंचेंगे तीनों ऑप्शन में पी दिया होगा तो एमपीएस तक पहुंचेंगे अगर हम एमपीएस तक पहुंच रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि किसका किस कैपिटल किस स्ट्रक्चर में एमपीएस ज्यादा आ रहा जिस है जिसमें एमपीएस ज्यादा आएगा उसे सेलेक्ट करेंगे और अगर एमपीएस तक नहीं पहुंच रहे ईपीएस तक ही खत्म हो रहा है तो ईपीएस तक क्वेश्चन ने अगर बोला है तो फिर हम ये देखेंगे कि ईपीएस किस प्लान में ज्यादा है और हम वहां पर जिस प्लान का ईपीएस ज्यादा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ईपीएस के लिए एग्जामिनर बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और एमपीएस के लिए बोलता है, है। तो ईपीएस तो तक, तो तक जाएंगे तो हमारे सामने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी उसकी रिटर्न हमें बताई जाएगी हमें अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ ये चेक करना है कि हायर ईपीएस और एमपीएस किस प्लान में है। तो आपका जो स्टेटमेंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा सेल्स इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जनरली क्वेश्चन ईबीआईटी से शुरू होगा कई बार सेल से भी स्टार्ट हो सकता है इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी आ जाएगा टैक्स माइनस करेंगे ई आ जाएगा प्रीफरेंस शेयर है तो प्रिफरेंस डिविडेंड माइनस करिए अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे ईपीएस आ जाएगा पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एमपीएस पर पहुंच जाएंगे ठीक है हमारे पास एमपीएस का फॉर्मूला रहेगा ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशो नंबर ऑफ शेयर निकालने कैसे हैं कई बार तो कंपनी नई स्टार्ट होगी तो नई स्टार्ट होगी तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर आप इशू कर रहे हो वो आ जाएंगे कई बार एग्जिस्टिंग कंपनी होगी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं और न्यू शेयर हैं दोनों तो को जोड़ लीजिए मान लीजिए एक लाख शेयर पहले से है फिफ्टी थाउजेंड शेयर और इशू करे तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर आपके पास हो गए नए शेयर कितने इशू करने हैं ये कैसे निकालेंगे हम लोग जितना भी फंड आपको इक्विटी से चाहिए मान लो इक्विटी से मेरे को पच्चीस लाख रुपए चाहिए ठीक है डिवाइडेड बाई आप कर देंगे कि एक शेयर का इशू प्राइस कितना है जैसे मान लो एक शेयर का इशू प्राइस पच्चीस रुपए है तो एक लाख शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे और इसके अंदर कई बार इशू एक्सपेंस दे देता है तो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस यानी नेट प्रोसीड इस्तेमाल करेंगे जैसे इशू प्राइस तीस रुपए है इशू एक्सपेंस पांच रुपए तो एक शेयर से सिर्फ पच्चीस रुपए रिसीव हुए तो आपको ये देखना है कि आपकी जेब में शेयर से पैसा कितना आ रहा है जितना शेयर से पैसा आएगा पच्चीस रुपए नेट आपके पास आए तो पच्चीस लाख रुपए चाहिए पच्चीस रुपए एक शेयर है एक लाख शेयर आपको इशू करने होंगे ठीक है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो इशू प्राइस ना दिया हो तो हम ये मानेंगे कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो भी दिया हुआ है वही हमारा इशू प्राइस है अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी नहीं दिया हुआ तो हम ये मानेंगे कि फेस वैल्यू ही इशू प्राइस है तो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन में फेस वैल्यू है दस रुपए और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है बीस रुपये तो हम ये मानेंगे कि बीस रुपए में इशू करेंगे जब मार्केट में बीस रुपए में शेयर बिक रहा है तो हम दस में क्यों इशू करेंगे और मान लो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया गया तो फेस वैल्यू को ही इशू प्राइस मानकर आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आएगा कि कंपनी नई स्टार्ट हो रही है तो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल सिंपल है जैसे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स प्रिफ्रेंट डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर और ईपीएस एमपीएस पर पहुंच गए ठीक है एक सिचुएशन आएगी कि एग्जिस्टिंग कंपनी है मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी हमारे पास तो एग्जिस्टिंग कंपनी की अभी से कुछ लाइबिलिटीज होंगी तो जैसे एग्जिस्टिंग कंपनी में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी दस लाख रुपए की है दस रुपए का एक शेयर है और हमारे पास टेन परसेंट डेट है ट्वेंटी लाख का ठीक है बस ये तीस लाख रुपए हमारे पास ऑलरेडी है अब हमें एडिशनल न्यू फंड की जरूरत है उसके लिए हमारे पास मान लीजिए तीन प्लान है वन टू थ्री पहला प्लान है इक्विटी इशू करो दूसरा प्लान है डेट इशू करो तीसरा प्लान है इक्विटी और डेट फिफ्टी फिफ्टी इशू करो ठीक है और हमें नए फंड चाहिए दस लाख रुपए तो पहले प्लान में दस लाख के इक्विटी शेयर इशू करने हैं दूसरे में दस लाख के डेट तीसरे में पांच लाख के इक्विटी और पांच लाख के डेट इशू करने तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे आपके पास ईबीआईटी आ गया ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट ये जो टेन परसेंट आपके ऊपर एग्जिस्टिंग लाइब्रिटी है दो लाख रुपए ये सब जगह पे माइनस होगा क्योंकि ये आपके ऊपर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है यह तो देना ही देना है और फिर देखेंगे कि अब जो हमने प्लान किया उसमें और भी एडिशनल इंटरेस्ट देना है क्या तो इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं देना डेट में मान लो के रेट से एक लाख का इंटरेस्ट और देना है और इक्विटी और डेट में टेन परसेंट के रेट से पचास हजार का इंटरेस्ट यहां पर देना है तो एडिशनल इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा प्लान के हिसाब से एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हर केस में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप किसी भी प्लान से पैसा मंगवाएं एग्जिस्टिंग मंगवाएंगि को तो फुलफिल करना ही करना होगा तो इसके अंदर हमारे पास जैसे ईडीआईटी आएगा तो इंटरेस्ट पहले एग्जिस्टिंग सब में ले लेंगे और न्यू वाला सिर्फ उसमें लेंगे जिसमें नया फंड लोन के थ्रू आया हो उसके बाद में टैक्स आ गया फिर प्रिफरेंस डिविडेंट एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर है तो वो तो सब में आएंगे नए वाला देखना होगा कि किस प्लान के अंदर प्रीफरेंस शेयर से पैसा मंगवाया है फिर नंबर ऑफ शेयर

उसके आगे नहीं बढ़नाज थ्री ऑल्टर टू फाइनेंसिंग डेट ऑफ टू फिफ्टी टेन लैक और फिफ्टीन लैक एंड बैलेंस इन ईच केस बाई इक्विटी शेयर तो हमारे पास तीन प्लान है पहला प्लान कहता है कि टू लाख रुपए चाहिए इक्विटी से मंगवाओ दस लाख रुपए डेट से पंद्रह लाख रुपए इक्विटी से और लास्ट में पंद्रह लाख रुपए डेट से और दस लाख रुपए इक्विटी से आपको मंगवाने पड़ेंगे ठीक है जी कह रहे हैं कंपनी का जो शेयर है वो वन में बिक रहा है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो वन है बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू वन टीव इन शेयर है दस लाख का लोन है यहां भी एक सौ पचास है और जैसे ही आपने एक सौ पचास से ज्यादा का लो... जैसे ही आपने टेन लैख से ज्यादा का लोन लिया पंद्रह लाख का लोन लिया तो आपका शेयर का प्राइस एक सौ पच्चीस रुपए रह जाएगा ओके कहने द फंड बोरोड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट अपू टू फिफ्टी ढाई लाख रुपए तक पे आपको ब्याज देना 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 है 15 देना है है ओवर 250. 250 से ऊपर जो भी आप अमाउंट लोगे उस पे 15 देना है, और ये दस लाख रुपए तक एप्लीकेबल रहेगा फिर आपको ट्वेंटी परसेंट देना है अगर दस लाख से ऊपर आपने लोन लिया तो टैक्स का रेट है फिफ्टी परसेंट कौन सा प्लान हमें चूज करना चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास तीन प्लान हो गए तीनों प्लान में हमारा फाइव लैख का ई हो गया अब हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पहले केस में ढाई लाख रुपए पे दस परसेंट इंटरेस्ट चला जाएगा ट्वेंटी दस लाख का लोन है तो पहले ढाई लाख तक दस परसेंट पच्चीस हजार रुपए उसके बाद ढाई लाख से दस लाख तक साढ़े सात लाख रुपए और ले रहे हो पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट चला जाएगा तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और वन वन टू फाइव हंड्रेड इसके बाद में तीसरे प्लान में पंद्रह लाख का लोन है तो पहले ढाई लाख पर पच्चीस हजार दूसरे साढ़े सात लाख पर ढाई से दस के बीच में वन वन टू फाइव हंड्रेड और फिर बचे हुए पांच लाख पांच लाख रुपए और आप लोन ले रहे हो उस पर बीस परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एक लाख रुपए का इंटरेस्ट और आ गया तो तीनों के इंटरेस्ट माइनस आ गया टैक्स माइनस किया ईएटी अब नंबर ऑफ शेयर पहले केस में बाईस लाख पचास हजार रुपए मंगवाने हैं एक सौ पचास रुपए का शेयर है पंद्रह हजार शेयर इशू करने पड़ेंगे दूसरे में फिफ्टीन लाख मंगवाने हैं एक सौ पचास रुपए का शेयर है दस हजार शेयर इशू करने पड़ेंगे लास्ट केस में शेयर का प्राइस एक सौ पच्चीस रुपए हो गया है तो दस लाख रुपए मंगवाने हैं एक सौ पच्चीस रुपए का शेयर इशू होगा तो आठ हजार शेयर इशू करने पड़ेंगे फिर हम चेक करेंगे किसमें हमारा EPS सबसे ज्यादा है, तो ईपीएसनेटिव टू सबसे बेस्ट रहेगा तो हमारा डिसीजन रहेगा कि हम ऑल्टरनेटिव टू के साथ जाएंगे बहुत सा ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट रहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू एटी है डिवेंचर का इंटरेस्ट टेन परसेंट माइनस हुआ है चालीस हजार तो यह आपको एग्जिस्टिंग अपना इनकम स्टेटमेंट बता रहा है इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा इसमें से आपको कई सारी चीजें मिलेंगी सबसे पहले जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट टेन परसेंट है फोर्टी थाउजेंड इसका मतलब आपके पास चार लाख रुपए के डेट है ठीक है इसके बाद में इनकम टैक्स का रेट आपके पास फिफ्टी परसेंट है नंबर ऑफ़ शेयर आपके पास एग्जिस्टिंग थर्टी थाउजेंड है अर्निंग पर शेयर चार रुपए है पी रेशो दस है यानी कि शेयर का प्राइस चालीस रुपए होगा यह हमारे को यहां से मिल जाएगा हैं द कंपनी है फर्दर फोर मॉडर्नाइजेशन तो हमें चार लाख रुपए की और जरूरत है ठीक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट कह रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 तो ईबीआईटी है 280000 like हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है ₹10 का शेयर 30000 शेयर है लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस सात लाख रुपए के आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं सात लाख रुपए रिजर्व से आ गए प्लस डेट आपके पास चार लाख रुपए का है चार लाख रुपए आपके पास डेट से आ गए कोई नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड फंडरेंस शेयर कैपिटल और डेट इन तीनों को जोड़कर कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है तो प्रीफरेंस शेयर तो है नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व और डेट आ गया चार लाख रुपए मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो हमारे पास चौदह लाख रुपए हैं टोटल टू एटी डिवाइड बाई फोर्टीन लैख ये हमारे पास 20 परसेंट रिटर्न आ गई तो हमारी जो आर कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20 है आगे भी 20 परसेंट ही रहेगी ध्यान रखिएगा कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये लाइन नहीं भी लिखी होगी अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया हुआ कि नए फंड पर कितनी रिटर्न मिलनी है या नए फंड आने के बाद हमारी रिटर्न क्या हो जाएगी तो भी हम हमेशा ये एक्शन लेंगे कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें अभी मिल रही थी उतनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें आगे भी मिलेगी इसमें क्वेश्चन कई बार और छेड़खानी कर सकता है वो कह सकता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज कि हमारी रिटर्न ऑन एम्प्लॉड पांच परसेंट बढ़ जाएगी तो अभी आपको बीस परसेंट मिल रहा था तो कल आपको पच्चीस परसेंट मिलने लगेगा ठीक है अब हमारी जो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो कितनी होगी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है फोर्टीन लैख दस लाख के फंड इक्विटी के और चार लाख का डेट अब आप इसके अंदर फोर लाख रुपए का और एडिशन करने वाले हो चार लाख रुपए हम और ऐड करने वाले हैं अब हमारी अट्ठारह लाख रुपए की नई कैपिटल एम्प्लॉय बन जाएगी तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद हम अठारह लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए होंगे आगे क्वेश्चन कह रहे हैं डेट रेशो हायर देन फोर्टी परसेंट विल ब्रिंग पी रेशो डाउन टू एट अभी आपका पी रेशो है टेन ऐसी सिचुएशन में आपका पी रेशो एट हो जाएगा अगर आपका डेट रेशो फोर्टी परसेंट से ज्यादा हो गया तो डेट रेशो का मतलब क्या है ब्रैकेट में 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 इन्होंने बोला है है डेट 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 का मतलब है कि न्यूमरेटर रहेगा और में डेट और डिनोमिनेटर इक्विटी दोनों का टोटल रहेगा इक्विटी का मतलब हमेशा इक्विटी फंड आगे कह रहे हैं एंड इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट टू ट्वेल्व परसेंट और जो एडिशनल डेट है उस पर इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व परसेंट हो जाएगा ठीक है अब कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन प्रोबेबल प्राइस ऑन द शेयर शेयर का प्राइस क्या होगा यानी हमें एमपीएस तक जाना है इस क्वेश्चन में इफ एडिशनल कैपिटल एट एट डेट इफ अमाउंट इक्विटी शेयर रूलिंग मार्केट प्राइस तो अगर हम डेट से पैसा मंगवाते हैं तो और अगर हम इक्विटी से पैसा मंगवाते हैं तो रूलिंग मार्केट प्राइस पर रूलिंग मार्केट प्राइस अभी आपका चालीस रुपए चल रहा है चार रुपए का ईपीएस दस आपका पी है तो यहां पर चालीस रुपए का आपका रूलिंग मार्केट प्राइस है ओके okay. अब हमें दोनों केस में ये डेट इक्विटी रेशियो चेक करना होगा अब जरा देखिए डेट डिवाइड बाई डेट प्लस इक्विटी फंड केस वन में। केस वन में आपके पास चार लाख रुपए के डेट तो पहले से हैं, ठीक है चार लाख रुपए के नए डेट आ जाएंगे तो टोटल डेट आपके पास आठ लाख रुपए हो जाएगा अगर आप डेट से पैसा मंगवाते हो तो डिवाइडेड बाई डेट कितना हो गया एट एक लाख इक्विटी फंड कितने है? दस लाख तीन लाख रुपए के कैपिटल है और सात लाख रुपए के रिजर्व है तो दस लाख रुपए हो गए मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो एट लाख डिवाइडेड बाई एटीन लाख ये हो गया फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट तो आपका जो डेट रेशो है वो फोर्टी परसेंट से ऊपर चला गया इस सिचुएशन में आपका पीई रेशो एट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर ट्वेल्व परसेंट लगेगा नए डेट पर ठीक है सेकेंड केस सेकेंड केस जब हम इक्विटी से पैसा मंगवाएंगे तो से पैसा मंगवाएंगे तो आपका डेट फिर से हमें चेक करना पड़ेगा आपका कितना है? 4 नया कितना है? 0। पैसा तो डेट है फोरटीन लैक फोर्टीन लैख कैसे दस लाख तो पुराने हैं और चार लाख रुपए इक्विटी से और मंगवा रहे हो आप फोर्टीन लैख हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो आपके पास चार डिवाइड बाई एटीन यहां पर रेशो आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट तो ये फोर्टी परसेंट से कम है तो यानी पी रेशो यहां पर टेन का टेन ही रहेगा तो यहां पी रेशो टेन रहेगा कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को तीन चीजें करनी पड़ती हैं दस नंबर का को क्वेश्चन रहता है ये सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिर हमें डेट इक्विटी रेशो चेक करना पड़ता है सारे प्लान में कि भाई डेट इक्विटी रेशो क्या मेंटेन हो रहा है ये दो चीजें करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब बड़ा सिंपल है क्वेश्चन के अंदर आ जाइए शुरू करते हैं दो प्लान हो गए हमारे पास डेट से पैसा और इक्विटी से पैसा आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगी गई लाख ,00 रुपए बीस परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अठारह लाख ,00 की कैपिटल एम्प्लॉयड बीस परसेंट रिटर्न थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी आ गया अब हमारे पास जो इंटरेस्ट है चालीस हजार रुपए एग्जिस्टिंग वो दोनों केस में जाएगा तो चालीस हजार रुपया इंटरेस्ट तो दोनों में माइनस हो गया नया वाला इंटरेस्ट तब तो जाएगा जब आप पैसा डेट से मंगवाओ तो डेट वाले केस में आपने चार लाख रुपए नए मंगवाए हैं और इंटरेस्ट का रेट ट्वेल्व परसेंट है तो डेट तो तो प्लान के अंदर तो पैसा डेट से आया तो तीस हजार शेयर रहेंगे नया शेयर कोई भी इशू नहीं हुआ सेकेंड प्लान में तीस हजार शेयर से है प्लस कितने रुपए आपको मंगवाने चार लाख रुपए एक शेयर कितने का इशू कर रहे हो आप चालीस रुपए में तो कितने शेयर और इशू करने पड़ेंगे दस हजार शेयर तो यहां पर आपकी फोर्टी थाउजेंड के नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे ये इनका ईपीएस आ गया पी रेशो यहां पर एट और यहां पर टेन क्योंकि यहां पर फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट डेट रेशो था तो इसका पी रेशो एट हो गया था दूसरे का टेन का टेन रहेगा उसका ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू था मल्टीप्लाई करिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ गया इस केस में थर्टी सिक्स पॉइंट टू फोर और इसके इसमें चालीस रुपए अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा प्लान बेटर है तो जिसमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा है उसी प्लान को हम लोग चूज करेंगे तो चालीस रुपए वाला प्लान चूज हो जाएगा यानी हमें पैसा इक्विटी से मंगवाना चाहिए ये दो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एक ये क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर है और इसका सोल्यूशन वहां पर अधूरा दिया गया है लेकिन इससे पहले हमें जाना पड़ेगा इनडिफरेंस पॉइंट पर आ जाइए अब इनडिफरेंस पॉइंट के कॉन्सेप्ट चलते हैं पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा जिसमें दो अलग-अलग टू रख दीजिए क्या है हमारे पास ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर तो प्लान वन का सामने रख दीजिए और सामने प्लान टू का रख दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है वो मैं आपको हूं। जैसे कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये हमारे पास ठीक है इक्विटी से, से, से पैसा है पंद्रह लाख रुपए और पांच लाख रुपए का डेट है तो बीस बीस लाख रुपए दो कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें मंगवाने टैक्स का रेट लीजिए फिफ्टी अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडिफरेंस पॉइंट निकालो ठीक है जी तो बड़ा सिंपल सा रहेगा ए बी आई माइनस आई वन माइनस टैक्स प्रिफरेंस डिविडेंट है नहीं नंबर ऑफ शेयर अंडर वन ए बी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन टू तो ई पहले केस में इंटरेस्ट बताइए कितना हो गया बारह परसेंट लाख का एक लाख बीस हजार माइनस टैक्स शेयर हो गए दस लाख रुपए कैपिटल दस रुपए का एक एक लाख शेयर ई माइनस इंटरेस्ट पांच लाख का ट्वेल्व परसेंट हो गया माइनस टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर हो गए वन फिफ्टी ठीक है जी तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे अगर क्वेश्चन में प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं है तो बड़ा सिंपल सा होता है यहां के वन लैख से यहाँ का वन फिफ्टी ये हो गया टू ये हो गया थ्री फाइव के टेबल से दोनों कट जाएंगे तो यहां पर हो गए फाइव टू जे टेन फाइव थ्री जे फिफ्टीन वन माइनस टेक्स को वन माइनस से कैंसिल कर देंगे अब बड़ा सिंपल है थ्री को सामने लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और टू को वहां पर ले जाइए थ्री यहां पर आ जाएगा और टू यहां पर आ जाएगा तो थ्री बी आई टी माइनस थ्री सिक्सटी इक्व टू टू बी आई टी माइनस वन ट्वेंटी ओके यहां पर हमारे पास थ्री बी आई टी टू बी आई टी सामने आकर माइनस हो गया ये सामने जाकर रेड हो गया तो बी आई टीव टू टू लैख फोर्टी थाउजेंड यह हमारा इसे डिफरेंस तो इस से, से करते हैं पांच नंबर देता है इस चीज के अब हमारे पास जैसे एक तो आगे ये वाला इसमें होता है कोर्स ऑफ एक्शन कि हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार तो इनडिफरेंस पॉइंट पर आपको खत्म कर देगा कई बार क्या कहेगा कहेगा कोर्स ऑफ एक्शन बताओ कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास बड़ा सिंपल सा रहता है कोर्स ऑफ एक्शन अगर आपका ईबीआईटी जो भी आपका ईबीआईटी है वो इनडिफरेंस पॉइंट से कम है यानी यहां पर आ रहा है दो लाख चालीस हजार इससे कम है दूसरा अगर आपका ईबीआईटी दो लाख चालीस हजार के बराबर है और तीसरा आपका ईबीआईटी दो लाख चालीस हजार से ज्यादा है ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं कि हम दो चालीस से कम कमा रहे हैं दो चालीस या दो चालीस से ज्यादा तो अगर आप दो चालीस से कम कमा रहे हैं तो आपकी कमाई कम है तो आप बर्डन कम लीजिए तो आप उस प्लान को लीजिए जिसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम हो यानी जिसका फाइनेंशियल खर्चा कम हो तो फाइनेंशियल खर्चा अगर हम देखें तो पांच लाख रुपए पर बारह परसेंट साठ हजार का इंटरेस्ट था और यहां पर दस लाख रुपए पे बारह परसेंट वन ट्वेंटी का इंटरेस्ट था तो इस प्लान में बर्डन कम होगा क्योंकि ब्याज का खर्चा कम है तो जिस प्लान में आपके ऊपर खर्चा कम है उस पे जाइए तो 240 से कम कमा रहे हैं तो प्लान टू पे जाइए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम है इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जिसकी कम हो या हम कहते हैं जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम हो अगर ई बी आई डी टू फोर्टी के बराबर है तो प्लान वन और टू में से कोई भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अगर टू फोर्टी से ज्यादा है तो उस प्लान पे जाइए जिसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो जिसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास EBIT, के अंदर सीबीआई रहता है बड़ा सिंपल सा है अभी फाइनेंशियल बीपी को भी डिस्कस करेंगे हम और और एक मैं आपको शेयर्स वाला और बताता हूं कैसे करते हैं इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ लोन है प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है तो टैक्स से टैक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन आराम से निकल जाएंगी अगर प्रीफरेंस डिविडेंड होता है तो टैक्स से टैक्स कैंसिल नहीं होता बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं इसमें जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर वन कैपिटल स्ट्रक्चर टू दो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है दस रुपए की फेस वैल्यू और हमारे पास फिफ्टीन परसेंट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ठीक है जी अब माननी जी इक्विटी शेयर कैपिटल है दस लाख प्रिफरेंस से कुछ नहीं यहाँ पांच लाख और पांच लाख टोटल दस दस लाख रुपए दो कैपिटल स्ट्रक्चर में आ गए हमारे पास टैक्स रेट है हमारे पास फिफ्टी परसेंट अब देखिए क्वेश्चन ने कहा इंडिफरेंस पॉइंट निकालो तो ई बी माइनस इंटरेस्ट जो है नहीं जीरो है वन माइनस टैक्स डिवाइड बाय एन वन इक्व टू ई बी माइनस इंटरेस्ट है नहीं वन माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एन टू दूसरे वाले केस में प्रीफरेंस डिविडेंड आएगा कहीं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है अब हमारे पास ई माइनस इंटरेस्ट तो हो गया जीरो वन माइनस टैक्स नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हो गए एक लाख शेयर और ईबीआईटी माइनस जीरो वन माइनस टैक्स माइनस पीटी ये पीटी ना इस पूरे के बाहर रहता है तो पीटी हो गया फाइव लाख पर फिफ्टीन परसेंट सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाय एन टू फिफ्टी थाउजेंड शेयर अब इसको अगर सोल्व करना है तो बच्चे क्या करते हैं इसमें ही टैक्स से टैक्स काट देते हैं वो नहीं कटेगा क्योंकि उसके ब्रैकेट के बाहर एक अमाउंट लिखी हुई है ये ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते तो ये हो गया फाइव वन जै टेन अब ये टू सामने जाकर मल्टीप्लाई होना है और वन यहां पर आकर मल्टीप्लाई होना है तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फाइव तो यहां हो गया पॉइंट फाइव ई बी आई टी बाकी कुछ नहीं है इस तरफ इक्व सामने की तरफ हो गया टू मल्टीप्लाई बाईटी मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव ई बी आई टी और माइनस के पिछहत्तर हजार रुपए इसमें टू की मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए तो यहां पर पॉइंट फाइव ई बी माइनस थाउजेंड है तो पॉइंट टू ये हो गया ईबीआईटी माइनस एक लाख पचास हजार सामने आकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का पॉइंट फाइव ई बी माइनस का वन फिफ्टी माइनस से माइनस कैंसिल पॉइंट फाइव जाके डिवाइड हो जाएगा सामने Ebit to ये हमारे पास लेकिन अरे के तो सर ये क्या हो गया हमारे आंसर तो आगे नहीं रहा तो डिफरेंस पॉइंट में बड़ा सिंपल है दोनों के है सामने रख दीजिए एक दूसरे के सोल्व करिए आंसर आ जाएगा इन डिफरेंस पॉइंट ऐसे नजर आता है आपको जैसे इक्विटी प्लान है वो सीधा चला जा रहा है डेट प्लान थोड़ी देर बाद आपको ईपीएस देना शुरू करेगा ये ईपीएस है इक्विटी प्लान एक रुपया भी कमाएगा तो ईपीएस देना शुरू कर देगा क्योंकि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता ईबीआईटी मान लो एक रुपया आया इंटरेस्ट है ही नहीं ईबीटी बी एक रुपया हो गया टैक्स मान लो फिफ्टी पैसे चला गया फिफ्टी पैसे बचे प्रिफरेंस शेयर कुछ है ही नहीं बचे फिफ्टी पैसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस तब भी पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास जो इक्विटी प्लान होता है अगर सिर्फ इक्विटी से पैसा मंगवाओगे तो एक रुपया भी कमाओगे तो आपका ईपीएस शुरू हो जाएगा लेकिन बाकी सारे प्लान में जैसे मान लो आपने डेट ले रखा है और दस हजार का इंटरेस्ट है तो पहले आपको दस हजार का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद अर्निंग पर शेयर के नाम पर कुछ आपके पास बचेगा तो इक्विटी प्लान स्टार्ट हो जाता है जीरो पॉइंट से अगर जीरो ईबीआईटी है तो जीरो ईपीएस एक भी रुपया अगर ईबीआईटी होगा तो ईपीएस बनना शुरू हो जाएगा बाकी सारे प्लान स्टार्ट होते हैं थोड़ी आगे से क्योंकि इतना पैसा तो उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट या शेयर की पेमेंट के लिए ही करना पड़ जाता है उसके बाद में ई शुरू होता है तो प्लान जो इक्विटी प्लान है वो जीरो से स्टार्ट हो जाता है बाकी प्लान आगे से स्टार्ट होते हैं ये जब चलते जाते हैं तो ये एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही, ही आपका इनडिफरेंस पॉइंट है इस पॉइंट पर दोनों प्लान प्लान वन और टू एक बराबर देंगे उससे पीछे अगर आ जाए इक्विटी प्लान ज्यादा देगा क्योंकि इक्विटी प्लान में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है उसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो प्लान के बाद में वो बेटर रहेगा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी तो डेट प्लान हो प्लान हो उन सब में फाइनेंशियल बर्डन होता है उनकी वो प्लान आपके प्रीफर्ड हो जाएंगे कोर्स ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल रहेगा अगर ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है तो उस प्लान को लीजिए जिसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम हो अगर इंडिफरेंस पॉइंट पर है तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए और अगर इन डिफरेंस पॉइंट से आप ऊपर चले गए हैं तो उस प्लान को लीजिए जिसमें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो एक हमारे पास पॉइंट आता है पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल मतलब जहां पर ईपीएस जीरो हो जाए तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इसमें हमें ऐसा ईबीआईटी चाहिए जिस पर ईपीएस जीरो हो जाए अब जा देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टैक्स माइनस नंबर डिवाइड शेयर ठीक है अब हम ये कह रहे हैं कि ये ईपीएस जीरो है ठीक है जी जीरो इक्व टू एन जीरो में जाके मल्टीप्लाई हुआ तो एन भी जीरो हो गया अब सामने क्या बचा ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टैक्स

जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हाई होता है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी हाई रहेगा हमेशा तो ये हमारे पास रहेगा इन डिफरेंस पॉइंट के अंदर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंटरेस्ट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स ठीक है जी देखते हैं अब आगे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टडी में और आरटीपीएम में वो आता है ये इसके अंदर एग्जामिनर ने पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाया हमने इसका पूरा सोल्यूशन कर रखा है आधे पे छोड़ो हुआ इसको। यो यो है इसको। टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विशिज टू फाइनेंस फोर्टी एक्सपेंशन प्रोग्राम अब ये चालीस लाख रुपए और लगाना चाह रहे हैं एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव एडिशनल डेट ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट प्रीफ्रेंस शेयर इलेवन परसेंट डिविडेंट एंड इशू इक्विटी शेयर एट रुपीज सिक्सटीन पर शेयर तो हमारे पास हमें चालीस लाख रुपये की जरूरत है हमारे पास पहला प्लान है कि हम ट्वेल्व परसेंट डेट रेज कर दें चालीस लाख के और प्रीफ्रेंस शेयर इशू कर दें इलेवन परसेंट के रेट से चालीस लाख रुपये के या फिर नई इक्विटी शेयर इशू कर दें फोर्टी लाख रुपीज के सोलह रुपये का हमारा इशू प्राइस रहेगा कंपनी तो और आठ लाख शेयर है आपके पास आपको चालीस लाख रुपए की और जरूरत है क्वेश्चन कह रहा है कि चालीस लाख रुपए जो अब नए मंगवाने हैं वो आप डेट से भी मंगवा सकते हो प्रीफ्रेंस से भी मंगवा सकते हो और इक्विटी शेयर से भी मंगवा सकते हो ठीक है जी फर्स्ट पॉइंट निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन प्रिफ्टीन लैख वॉट वुड वी ईपीएस फॉर थ्री ऑल्टर एज्यूमिंग नो इमीडिएट इन प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे हैं अगर हमारा ई बी आई टी पंद्रह लाख रुपए आपको बताना है तीनों प्लान में तो हमारे पास तीन प्लान आ गए डेट प्रीफरेंस इक्टी ई बी आई टी आ गया हमारे पास फिफ्टीन लैख्टीन लैख्टीन लैख अब इंटरेस्ट जो एग्जिस्टिंग थर्टी सिक्स लैख है उस पर टेन परसेंट इंटरेस्ट तो सारे केस में जाएगा थ्री सिक्सटी थ्री ठीक है अब जो नए वाले चालीस लाख रुपए हैं वो आपने प्लान वन में डेट से मंगवाए हैं वो आपके पास आ गए चालीस लाख रुपए और इंटरेस्ट का रेट रहेगा इसमें बारह परसेंट तो चालीस लाख का बारह परसेंट फोर एटी आ गया आपका प्रीफ्रेंस और इक्विटी में कोई नया इंटरेस्ट नहीं जाएगा प्रीफरेंस और इक्विटी को इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है ये हमारे पास आ गया ई बी चालीस टैक्स माइनस करा ई आ गया अब प्रीफरेंस डिविडेंट तो एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर नहीं है हमारे पास तो एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस डिविडेंट नहीं है सिर्फ नए वाला प्रीफरेंस डिविडेंट आपके पास आएगा 40 लाख पर 11 परसेंट से तो 40 लाख पर 11 परसेंट से नए वाला आ जाएगा आपका 440 फोर्टी प्रिफरेंस प्लान के अंदर बाकी किसी में नहीं आएगा ये आपके पास आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी अब अर्निंग फॉर इक्विटी के बाद में आपके पास आठ लाख शेयर तो अभी हैं तो अगर आप डेट से पैसा मंगवा रहे हो तो आठ लाख शेयर ही रहेंगे आप प्रीफरेंस से पैसा मंगवा रहे हो आठ लाख शेयर रहेंगे तो लाख लाख शेयर शेयर लेकिन अगर आप इक्विटी से पैसा मंगवा रहे हो तो चालीस लाख रुपए इक्विटी से मंगवाने सोलह रुपए का एक शेयर है लाख ,00 डिवाइड बाई सोलह था न्यू शेयर आप इशू करोगे तो आपके पास आठ लाख ,00 शेयर पुराने और टू फिफ्टी नए टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड आपके पास टोटल शेयर नए आ गए अब आपके पास आ गया अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर आप चेक कर लीजिए किस प्लान में सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर आपको नजर आ रहा है तो हमारे पास इक्विटी प्लान में हमारे पास अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है।, उसके बाद में सेकंड नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर है इक्विटी का सेकंड नंबर है डेट का और थर्ड नंबर है प्रीफरेंस का तो इक्विटी प्लान यहां पर जीत जाएगा ठीक है इसका पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है इसका सेकंड वाला पॉइंट बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है सेकंड पॉइंट देखते हैं एक बार देखेगा एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर आपको बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आप प्रीफर करेंगे तो हम भाई प्लान इक्विटी प्लान को प्रीफर करेंगे कंप्यूट हाउ मच वुड ई बी आई टी नीड टू इंक्रीज विफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट तो आपको बताना है कितना ई बी आई टी हमें बढ़ाना पड़ेगा विफोर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट अभी बताइए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन है अभी इक्विटी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दूसरा ऑल्टरनेटिव कौन है सेकंड बेस्ट सेकंड बेस्ट है डेट ये है सेकंड बेस्ट तो कह रहे हैं आपको बताना है कि ये सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ट के बराबर कब पहुंच जाएगा तो कह रहे हैं हाउ मच ईबीआईटी वुड इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट तो अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट होने से पहले उसको इंडिफरेंस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा अभी की सिचुएशन क्या है अभी की सिचुएशन यह है कि अभी हमारा जो इक्विटी प्लान है वो ऐसे चल रहा है डेट प्लान ऐसे तो अभी इक्विटी बेस्ट चल रहा है इसका मतलब हम यहां कहीं पर है तो हमारा ईवीआईटी यहां से यहां तक कहीं पर है तो अभी इक्विटी प्लान बेस्ट चल रहा है अब बताइए यहां पर दोनों एक बराबर हो जाएंगे इक्विटी और डेट ये इक्विटी प्लान है ये डेट प्लान है उसके बाद में डेट प्लान बेस्ट हो जाएगा तो अभी फर्स्ट बेस्ट है इक्विटी सेकंड बेस्ट है डेट

तो आठ लाख छिहत्तर हजार रुपए आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बराबर करने में और अगर इसमें एक भी रुपया और बढ़ा दिया तो डेट ऑप्शन बेटर हो जाएगा क्योंकि वो इन डिफरेंस पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास हमें एट इंक्रीज करने पड़ेंगे जब दोनों के दोनों प्लान एक बराबर हो जाए नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव भी इसके बराबर कमाई आपको देने लग जाए तो इन्होंने इसमें यहां पर सीधे सिर्फ स्टडी मेट में ये आंसर लिखा हुआ है नीचे ये इसकी इंडिफरेंस पॉइंट की वर्किंग वहां पर स्किप्ट है तो आप ध्यान रखिएगा कि पढ़े तो कंफ्यूज ना हो इंडिफरेंस पॉइंट आपको एग्जाम में इसका निकाल के दिखाना पड़ेगा उसी के बाद हम बता सकते हैं कितना पैसा और एड करना होगा ठीक है अब हमारे पास एक पॉइंट आता है इसके अंदर कई बार हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ना सेम हो जाते हैं यानी दो प्लान हैं दोनों प्लान में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम हो गए अब जरा देखो हमारे पास जो हम इंडिफरेंस पॉइंट निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टैक्स माइनस पी डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर आई मान लो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट है PD नहीं है N2. अब यहां, पर ये कई बार क्या होगी? यहां भी एक लाख इक्विटी शेयर है यहाँ भी एक लाख इक्विटी शेयर है तो एक लाख से एक लाख कैंसिल हो गया अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये सामने वाली इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए यानी यहां पर जो इंटरेस्ट माइनस हो रहा है प्रिफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है वो सामने वाले इंटरेस्ट और मान लो यहाँ पी डी पी है तो उसके बराबर होना चाहिए तो यहां पर दो सिचुएशन आएंगी एक सिचुएशन आएगी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे यानी यहां पे मान लो एक लाख आ गया यहाँ भी एक लाख आ गया तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है बल्कि ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी ई बी आई टी विल प्रोवाइड सेम ईपीएस ऐसा क्यों देखो अगर ये एक लाख रुपए का बर्डन है पूरा और यहां भी एक लाख रुपए का बर्डन है तो डिनोमिनेटर आपके पास में दोनों का सेम है तो ईबीआईटी को आप कितना भी कर दो मान लो चार लाख का ईबीआईटी है तो क्या होगा चार लाख माइनस वन लैख डिवाइड बाई वन लैख शेयर चार लाख माइनस वन लैख डिवाइड बाई वन लैख शेयर तो अब यहां पर क्या होगा चार लाख में से एक लाख गया तीन लाख रुपए बच गए डिवाइड बाई वन लाख शेयर तीन रुपए का ईपीएस आ गया यहां पर भी सेम का ईपीएस आ जाएगा मान लो मैं को फोर्टीन लैक कर देता हूं दोनों तरफ तो 14 लाख में से 1 लाख गए 13 लाख बचे डिवाइड बाई 1 लाख शेयर तो तेरह रुपये हो जाएगा तो दोनों तरफ तेरह रुपये हो जाएगा यानी यहां पर आप ईबीआईटी को कुछ भी रख लो दोनों तरफ हर केस में दोनों के दोनों प्लान सेम ईपीएस आपको प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन आएगी कि दोनों प्लान सेम ईपीएस आपको प्रोवाइड करने लग जाएंगे ऐसी सिचुएशन में मान लो जो प्लान वन है ये प्लान वन है तो प्लान टू भी बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन है दोनों लाइन सेम है तो प्लान वन और प्लान टू की सेम लाइन होगी यानी यही लाइन प्लान वन की है और यही लाइन प्लान टू की है दोनों लाइन एक जैसी दिखेंगी दोनों का ईपीएस हर लेवल पर सेम होगा और एक सिचुएशन आती है ये कि मान लो इधर जो बर्डन है यहां पर बर्डन है चालीस हजार और यहां पर बर्डन है अस्सी हजार तो हर केस में यहां पर बर्डन ज्यादा है और यहां पर बर्डन कम है तो यह प्लान जीतेगा इस सिचुएशन में क्या होगा एक तरफ आ रहा है चालीस हजार दूसरी तरफ आ रहा है अस्सी हजार तो इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं है चालीस और अस्सी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो इन पॉइंट इनके बीच में कोई इन पॉइंट निकलेगा ही नहीं तो कई बार क्या होता है एग्जाम में बच्चे सोल्व करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट निकलता ही नहीं है या इंडिफरेंस डिफरेंस पॉइंट इक्वस्ट हो जाता है दोनों तरफ एक बराबर तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अब मैं करूँ तो करूं क्या तो आपको परेशान नहीं होना आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ शेयर सेम तो नहीं है अगर नंबर ऑफ शेयर सेम होंगे तो फिर एक ही बात निकल कर आएगी कि या तो सारे के सारे प्लान एक जैसे हैं एक ही बराबर आपको सारे के सारे ई बी आई टी इन पॉइंट हैं या फिर आएगा कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है तो जैसे बच्चे का मैच नहीं हुआ एक तरफ चालीस हजार आ गया एक तरफ बच्चा परेशान कि मैंने कुछ गलती कर दी बेटा आपने कोई गलती नहीं करी है चेक कर लेना नंबर ऑफ शेयर सेम तो नहीं है इस सिचुएशन में ये प्लान ऐसे दिखते हैं जैसे एक प्लान की लाइन जा रही है ये दूसरी उसके पैर जाती है और वो हमेशा उससे नीचे रहेगी जिसके ऊपर बर्डन कम होगा जिसके ऊपर लोअर बर्डन होगा वो हमेशा डोमिनेट करेगा यानी वो हमेशा हाई ईपीएस प्रोवाइड करेगा तो लोअर बटन वाला हमेशा जीता रहेगा और हाई बटन वाला हमेशा डाउन पे रहेगा तो यहां पर हम कहते हैं कि जो डोमिनेटिंग प्लान है वो कौन सा रहेगा जिसमें बर्डन कम हो या जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम हो तो एक कंसेप्ट आपके पास ये एग्जाम में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता आपको सिर्फ पता होना चाहिए इनडिफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर सिचुएशन वन कोई भी ईबीआईटी सेम ईपीएस नहीं पहुंचा रहा कोई डिफरेंस पॉइंट आ ही नहीं पा रहा हमसे और जिसमें लो कॉस्ट होगी वो डोमिनेट करेगा तो यहां पे प्लान कैसे दिखेगा ऐसे पैरेलल लाइंस दिखेंगे आपको ये प्लान वन प्लान टू यहां पे एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो यहां पे डोमिनेट कौन करेगा प्लान वन डोमिनेट करेगा जिसकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी जिस जिसपे बर्डन कम होगा वो डोमिनेट करेगा ठीक है फिर दूसरा हमारे पास आएगा सिचुएशन नंबर टू जहां पर ईच एंड एवरी ईबीआईटी आपको एक जैसा ई पी देगा कोई भी EBIT ले लो हर तो ईबीआईटी नहीं बल्कि सारे आपके लिए इंडिफरेंस है प्लान तो टू भी यही है तो यहां पर आर एच एस और एल एच एस एक बराबर हो जाते हैं ये दोनों प्लान में से कुछ भी लो बात एक ही रहेगी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी लेवल पर तो हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बीबीक्यू फोर देखिएगा गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग थ्री फाइनेंसिंग प्लान द की इंफॉर्मेशन इज एट गिवेन बिलो टोटल इन्वेस्टमेंट टू लैख है इनको जो दो लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल प्लान प्लान ए है सारा पैसा इक्विटी से मंगवाओ यानी दो लाख के दो लाख इनसे मंगवाओ दूसरा है बी में इक्विटी और डेट से आधा आधा मंगवाओ तो एक लाख इक्विटी से एक लाख डेट से सी है इक्विटी से आधा मंगवाओ आधा प्रीफरेंस से तो एक लाख इक्विटी से और एक लाख प्रीफरेंस से मंगवा लो ठीक है कॉस्ट ऑफ डेट एट परसेंट है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है इसमें भी एक दिमाग में बात आती है बच्चों के देखो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब तो के हो गया तो के तो आफ्टर टैक्स होता है कि ये यहां पर वो दे रहे हैं ऐसा नहीं है ईबीआईटी ईपीएस के इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है वो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर यानी रेट ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड एट है टैक्स रेट फिफ्टी है

तो डेट का इंटरेस्ट दिया टैक्स माइनस किया जो बचा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया आ जाएगा और आपके पास ईपीएस निकल आया ठीक है जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह बड़ा आसान पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है ईबीआईटी आई टू इंटरेस्ट प्लसेंस डिविडेंट डिटरेस्ट है दूसरे ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट डिविडेंट कुछ भी नहीं है तो दूसरे इंटरेस्ट आठ हजार रुपए तीसरे प्लान में इंटरेस्ट कुछ नहीं है तो प्रीफरेंस डिविडेंट को डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स कर देंगे

फिर B का C के साथ ऐसे तीन बार हमें डिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास A का B के साथ निकाला निकल गया सोलह हजार रुपये फिर A का C के साथ निकाला निकल बत्तीस हजार रुपए दस हजार थे यहाँ पांच हजार यहां दस हजार यहाँ पांच हजार कोई दिक्कत नहीं हुई अब जब हमने बी और सी के बीच में निकाला तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ शेयर पांच हजार है तो जब डिनोमिनेटर में दोनों में पांच हजार है देखिए यहां दस यहां पांच यहां पांच तो जैसे मैं इन डिफरेंस पॉइंट निकालू इसके और इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है इसके और इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में इन डिफरेंस पॉइंट निकालूंगा तो या तो सारे के सारे ईबीआईटी e ही इन डिफरेंस पॉइंट होंगे यानी इक्व e टू आ जाएगा या फिर इक्व e टू नहीं आएगा तो हमने निकाल के चेक किया तो जैसे ही हमने निकाला इसको सोल्व करा तो एक तरफ आ रहा है पॉइंट फाइव ई माइनस चार हजार एक 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 तरफ आ माइनस माइनस तो 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 से से कैंसिल कैंसिल हो 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 गया तो आंसर हो गया गया आंसर तो ये तो एक के बराबर दूसरे कोई भी इंडिफरेंस नहीं है अब डोमिनेट कौन करेगा डोमिनेट वो करेगा जिसकी कॉस्ट कम होगी तो फाइनेंशियल कॉस्ट किसकी कम है इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है या तो आप यहीं पे चेक कर लो यहां चार हजार माइनस हो रहे हैं यहां आठ हजार तो चार हजार वाला जीतेगा क्योंकि वो सस्ता है है या फिर आप सिंपली फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकाला है। तो बी और सी में हमें कंपेयर करना है अब जरा बताइए बी का फाइनेंशियल ब्रेक इविनट आठ हजार है सी का सोलह हजार तो जिसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम है यानी उस पर बर्डन कम होगा तो बी जीतेगा क्योंकि उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम है तो कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में और यहां पर डोमिनेट करेगा प्लान बी डोमिनेट प्लान सी क्योंकि बी का जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है वो कम है तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है यह कभी भी आ सकता है एक क्वेश्चन हमारे पास आता है पांच नंबर में आता है छोटा सा क्वेश्चन बीबीक्यू क्यू फाइव जाइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव प्लान इक्विटी शेयर दस रुपए का एक है आठ लाख आठ लाख रुपए बारह परसेंट डिवेंचर है अब इसने प्रिफरेंस शेयर का रेट गायब कर दिया यहां पर

तो हो चार लाख रुपए तो निकाल लीजिए रेट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंट कितना आ गया आपके पास थर्टी थ्री सिक्स डिवाइड बाई फोर लैख एट पॉइंट फोर परसेंट तो हमारा प्रीफरेंस डिविडेंट का रेट एट पॉइंट फोर परसेंट आ जाएगा देखो इस क्वेश्चन की वर्थ दो नंबर से ऊपर बनती नहीं है लेकिन ये पांच नंबर में पूछा जाता है जब भी पूछा जाता है तो इसमें आपको मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं इंडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ पीडी गायब है जब आपको इंडिफरेंस पॉइंट मालूम है तो आप वैल्यू रखिए और आपके पास पी डी निकल कर आ जाएगा बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था बाकी क्वेश्चन में हमें पी डी पता होता था इंटरेस्ट वगैरह सब पता होता था ईबीआईटी नहीं मालूम होता था ये तो लास्ट में जाके ईबीआईटी कर आ जाता था बी आई टीव टू जी फोर एटी होगा और यहां पर इन्होंने क्या करा ई बी आई टी दे दिया और पूछा है तो इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है पांच नंबर दे देता है ये, एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन नया आया है इसमें स्टडी इस न्यू क्वेश्चन करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड हमारा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल सेवन लैक है बीस रुपए का एक लाख 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 शेयर शेयर हैं आपके पास अभी रिजर्व रुपए रुपए के है। 9 है 3 के करोड़ कैपिटल की और एडिशनल फंड हमें, तो हमें नई फंडिंग भी चाहिए एक्स वाई जेट लिमिटेड फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है ऑप्शन नंबर वन रेज द फंड ट्वेंटी फाइव परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल सेवेंटी फाइव परसेंट डेट पच्चीस परसेंट तो इक्विटी कैपिटल से मंगवा लो, तो पांच करोड़ का पच्चीस परसेंट कितना हो गया करोड़ इक्विटी से थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोड़ डेट से मंगवा लो ठीक है जी, है, कोई दिक्कत नहीं है इसका कोई काम भी नहीं है क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन फंडी परसेंट इक्टी शेयर कैपिटल तो ढाई करोड़ रुपए तो सेोड़ रुपए से मंगवाओ पी रेशोशन में इलेवन होगा ठीक है जी एनी न्यू इक्विटी कैपिटल वुड वी इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ रुपीज ट्वेंटी जो भी नया पैसा मंगवाओगे वो बीस रुपए का शेयर इशू करके मंगवाओगे आप एनी न्यू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल वुड बी इशूड एट रुपीज ट्वेंटी कोई लेना देना नहीं है हमें number of share सिर्फ इक्विटी के चाहिए होते हैं इक्विटी के number of share चाहिए तो उसके लिए पता होना चाहिए कितने में इशू होगा तो जैसे यहाँ पर वन पॉइंट टू फाइव करोड़ चाहिए पच्चीस रुपए का आप शेयर इशू कर रहे हो सॉरी बीस रुपए का ना बीस रुपए का तो कितनी हो गई नंबर ऑफ शेयर हो गए छह लाख पच्चीस हजार और ढाई करोड़ रुपए मंगवा रहे हो बीस रुपए का इशू करके तो ये हो गए थर्टीन लैख शेयर तो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर है सेवन लैख पहले केस में हम शेयर इशू करेंगे सिक्स पॉइंट टू फाइव लैख टोटल शेयर हो गए थर्टीन पॉइंट टू फाइव लैख शेयर और दूसरे केस में हम तेरह लाख नए शेयर इशू करेंगे तो बीस लाख शेयर हो जाएंगे प्लान वन प्लान टू तो इक्विटी शेयर हमारे पास जो नए आने वाले हैं वो टोटल होने वाले हैं प्लान वन में थर्टीन पॉइंट टू फाइव और सेकंड प्लान में बीस लाख शेयर हमारे पास जो लोन है तीन करोड़ का लोन है नाइन परसेंट पर तीन करोड़ का लोन नाइन परसेंट पर है तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन लैख हाँ ट्वेंटी सेवन लैख का इंटरेस्ट हो गया तो हमारे इंटरेस्ट ट्वेंटी सेवन जा रहा है प्लान वन प्लान टू प्लान टू में तीन करोड़ पर नाइन तो आप दोगे दोगे सत्ताईस लाख ठीक है अब जरा देखते हैं फर्स्ट प्लान में फर्स्ट प्लान में आप डेट से पैसा मंगवा रहे हो 3.75 करोड़ मंगवा रहे दस परसेंट पर तो साढ़े सैंतीस लाख रुपए का इंटरेस्ट और बन जाएगा 3.75 करोड़ 10 पर तो यहां सत्ताईस लाख प्लस साढ़े सैतीस लाख सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव लाख का इंटरेस्ट तो यहां पर बनेगा यहां पर लोन से कोई पैसा नहीं मंगवा रहे तो ट्वेंटी सेवन लैख का इंटरेस्ट रहेगा तो हमारे पास यहाँ थर्टीन पॉइंट टू फाइव लैख शेयर यहाँ बीस लाख शेयर यहाँ सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव लैख का इंटरेस्ट यहाँ सत्ताईस लाख का इंटरेस्ट अब प्रीफरेंस शेयर अभी हमारे पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है ग्यारह परसेंट से तीन लाख शेयर पचास रुपए का एक ये डेढ़ करोड़ रुपए की कैपिटल है इलेवन परसेंट से तो डेढ़ करोड़ का इलेवन परसेंट डिविडेंड तो आप अभी दे रहे हो सोलह लाख पचास हजार का डिविडेंट आप दे रहे हो सोलह पचास यहां भी जाएगा ठीक है जी ऑप्शन वन में आपने पैसा इक्विटी और डेट से मंगवाया है कोई प्रिफरेंस शेयर नहीं सेकेंड केस में आपने ढाई करोड़ रुपए प्रिफरेंस शेयर से मंगवाए बारह परसेंट पर तो पहले केस में कोई एडिशनल प्रिफरेंस डिविडेंट नहीं सिक्सटीन फिफ्टी ही रहेगा दूसरे केस में ढाई करोड़ रुपए बारह परसेंट से मंगवाए तो वो एडिशनल आपको डिविडेंट देना पड़ेगा ये हो गया आपका तीस लाख रुपए तो यहां पर आपके पास आ गया सिक्सटीन और फोर्टी सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड तो हमारे पास इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में इन पॉइंट पूछेगा बेसिकली डिटरमाइन इन डिफरेंस पॉइंट अंदर बोथ ऑल्टरनेटिव तो इन्होंने आपको तीनों जगह पे कैलकुलेशन करवानी है पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दोनों प्लान में कितना है दोनों प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोनों प्लान में आपका प्रिफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा बिल्कुल सिंपल सोवर है

इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन ये थर्टीन फिफ्टी कैसे आ रहा है ये हो गया जी थर्टीन फिफ्टी मैंने गलत लिख दिया क्या कितने रुपए चाहिए हमें ढाई करोड़ रुपए चाहिए और बीस रुपए का एक है ढाई करोड़ रुपए और बीस रुपए का एक शेयर बारह पचास हुए तो ये गलत लिखा हुआ है बारह पचास उन्नीस लाख पचास हजार शेयर हुए हमारे पास सेकंड में तो पहले में हो गए हमारे पास शेयर ट्वेंटी में बारह पचास बारह बारह उन्नीस लाख पचास हजार शेयर यहां पर टाइपिंग में गलती है तो ये उन्नीस पचास है ये बारह पचास है यहाँ पर थर्टीन पचास लेख होता है ठीक है तो पहले नंबर ऑफ शेयर आ गए फिर इंटरेस्ट आ गया हमारे पास सिक्सटी फोर फिफ्टी और ट्वेंटी सेवन लेख का

इंटरेस्ट भी नंबर ऑफ शेयर भी और में हमारे पास क्वेश्चन है अलग अलग कैलकुलेशन करवाएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं आर एम स्टील्स लिमिटेड रिक्वायर्स टेन लाख रुपीज दस लाख रुपए की हमें जरूरत है ठीक है जी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट इट इज कंसिडरिंग थ्री फाइनेंशियन प्लान प्लान वन कंपनी में इशू वन लेक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एट रुपीज टेन पर शेयर ठीक है जी एक लाख शेयर इशू कर दो दूसरा पचास हजार शेयर इशू कर दो और पांच हजार बॉन्ड सौ रुपए वाले डिवेंचर एट परसेंट के रेट से कर दो यानी कि पहले वाले केस में दस लाख रुपए इक्विटी से आएंगे दूसरे वाले केस में पांच लाख रुपए इक्विटी से प्लस पांच लाख रुपए डिवेंचर से आएंगे तीसरे केस में कह रहा है फिफ्टी थाउजेंड शेयर इशू कर दो दस रुपए वाले फाइव थाउजेंड प्रीफरेंस शेयर सौ रुपए वाले इशू कर दो एट परसेंट रेट पर तो थर्ड केस में पांच लाख रुपए इक्विटी से और पांच लाख रुपए रूपए शेयर्स आएगा तो पहला प्लान है पांच पांच इक्विटी और डेट से और थर्ड प्लान है पांच पांच लाख हैं इफ आर एम स्टील लिमिटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू लेकिन ई बी आई टी एक ही होता था तो हमारे पास तीन कॉलम बन के काम खत्म हो जाता था अब इसमें पांच ई बी आई टी दिए हैं और तीन प्लान है तो पंद्रह कोलम बनेंगे तो पंद्रह कोलम एक साथ तो हम बना नहीं सकते आप सोच के देखिए पांच ई बी आई टी हैं अलग अलग और तीन प्लान है तो एक बी आई टी में तीन प्लान फिर दूसरे ई बी आई टी में तीन प्लान तीसरे में तीन प्लान चौथे में तीन प्लान पांचवे में, में तीन प्लान तो हमारे पास पंद्रह कॉलम बनेंगे क्लैरिकल क्वेश्चन आता है तो पंद्रह कॉलम हम एक साथ नहीं बना सकते तो हमने इसके अंदर क्या किया है जब आपने इक्विटी से पैसा मंगवाया तो ईबीआईटी बीस चालीस अस्सी एक बीस दो लाख था तो क्या होगा जब आपने डेट और इक्विटी से आधा आधा मंगवाया तो क्या होगा और, और से आधा-आधा मंगवाया तो क्या होगा स्टेटमेंट में भी एग्जाम रिकमेंड फॉर आर एम स्टील एंड वो कह रहे हैं कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव रिकमेंड करोगे तो हर ईबीआईटी के लिए जैसे बीस हजार का अगर ईबीआईटी है तो तीन प्लान में से कौन सा बेहतर है बताना पड़ेगा चालीस हजार पे कौन सा बेहतर है बताना पड़ेगा अस्सी हजार पे कौन सा बेहतर है बताना पड़ेगा तो पांच अलग अलग जगह पे आप बता सकते हो कि कौन सा प्लान बेहतर है तो सबसे पहले इक्विटी फाइनेंस लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं इसके बाद टैक्स दिया कोई प्रिफरेंस शेयर नहीं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया ईपीएस आपके पास आ गया दस पैसे बीस पैसे चालीस साठ और एक रुपए जब आप डेट इक्विटी प्लान में जाओगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा चालीस हजार का तो एक केस में लॉस आ रहा है यहां पर देखें लॉस आ रहा है और यहां पर जीरो है तो जीरो वाला तो जीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं है पर लॉस की सिचुएशन में क्या करेंगे तो देखिए यहां पर हमें फाइनेंशियल प्लान का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है तो हमारे पास अगला साल तो है नहीं कि हम कैरी फॉरवर्ड करके दिखाएं तो हमारे पास अगले साल का उससे अगले साल का कितने प्रोजेक्ट की कितनी लाइफ है ये एक ही साल का डेटा है कि अगर एक ही साल में बीस हजार कमाऊ चालीस हजार अस्सी हजार एक बीस और दो लाख कमाऊं तो क्या होगा तो हम आगे ले जाकर इफेक्ट नहीं दिखा सकते इसीलिए इसका यहीं पर सेट ऑफ कर देंगे और इसकी टैक्स सेविंग यहीं पर ले लेंगे तो बीस हजार का लॉस है तो दस हजार का टैक्स सेविंग लिया दस हजार का लॉस बचा तो टैक्स सेविंग यहीं पर करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन जैसे कैपिटल में था कि पांच साल है हर साल इतना इतना कमाएंगे वो ऑप्शन नहीं है एक ही साल का डेटा है कि इस साल बीस हजार कमाओगे तो क्या होगा चालीस हजार कमाओगे तो क्या होगा अस्सी हजार कमाओगे तो क्या होगा एक बीस कमाओगे तो क्या होगा और दो लाख कमाओगे तो क्या होगा तो बीस हजार कमाओगे तो ट्वेंटी का ईपीएस नेगेटिव होगा यहाँ जीरो फोर्टी एट्टी और वन सिक्सटी का ईपीएस पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा सेम टू सेम ऐसा ही प्रीफरेंस शेयर वाले केस में भी होगा इंटरेस्ट तो खत्म हो गया इक्विटी और प्रीफरेंस के बीच में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन जब आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया उसके बाद में अर्निंग आफ्टर टैक्स में से चालीस हजार का डिविडेंड देना है तो वैसे क्या होता है हमारे पास हम प्रिफरेंस शेयर्स को अगर हमारे पास दस हजार का प्रॉफिट है और चालीस हजार का डिविडेंड है तो हम इस साल डिविडेंड दे ही नहीं पाएंगे बल्कि हम अगले साल क्यूमलेटिव करके डबल डिविडेंड देंगे प्रोसीजर यही है पर डेटा एक ही साल का है और हमें एक साल के अंदर इफेक्ट दिखाना है तो यहां पर हमने ये मानते हुए कि अगले साल डबल देना है तो इस साल हम समझने के लिए माइनस कर करें एक्चुअल में नहीं दिया जा सकता एक्चुअल में अगर आपके पास दस हजार रुपए का प्रॉफिट है का डिविडेंड देना है तो पॉसिबल नहीं है लेकिन समझने के लिए क्योंकि इस साल नहीं दिया तो अगले साल डबल देना पड़ेगा जाएगा तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर की जैसे तो उसका इफेक्ट आज ही हम देखना चाहते हैं तो यहां पर इसको माइनस करके दिखा दिया जाएगा फिर आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स में नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके कैलकुलेशन आ जाएगी तो जो भी इफेक्ट हैं वो इसी साल में दिखाने हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो इसमें यह चीज आपको देखनी है अब इसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए तो देखिए बड़ा सिंपल है सबसे पहले बीस हजार वाले पे लेते हैं इक्विटी प्लान दस पैसे कमा कर दे रहा है ये बीस पैसे नुकसान में है ये साठ पैसे नुकसान में कौन जीता इक्विटी प्लान जीत गया तो बीस हजार रुपए का अगर ईबीआईटी है तो इक्विटी प्लान जीतेगा फिर चालीस हजार पे देखते हैं बीस पैसे जीरो माइनस के चालीस पैसे यहां पर भी इक्विटी प्लान ही जीत रहा है तो आपकी कमाई बीस हजार हो या चालीस हजार हो तो इक्विटी प्लान पे जाइए फिर अस्सी हजार पर ये चालीस पैसे कमा कर दे रहा है ये भी चालीस पैसे कमा कर दे रहा है ये जीरो कमा कर दे रहा है तो इस सिचुएशन में आपका इक्विटी और डेट प्लान इक्विटी और डेट इक्विटी मिक्स वाला ये इन पे आ गए तो बीस हजार चालीस हजार कमा रहे हो तो इक्विटी प्लान पे जाओ अस्सी हजार कमा रहे हो तो इक्विटी और डेट इक्विटी इन पॉइंट पर आ गए अब 120 कमा रहे हो तो 120 पर ये 60 पैसे कमा कर दे रहा है ये 80 पैसे ये 40 पैसे तो 80 पैसे वाला जीत गया तो यहां पर डेट प्लान जीतेगा और दो लाख रुपए पर ये एक लाख कमा कर दे रहा है ये 160, ये 160 120 कमा कर दे रहा है तो 160 जीत जाएगा तो यानी कि अस्सी हजार से अगर मैं पीछे जाके देखता हूं तो इक्विटी प्लान बेटर है अस्सी हजार रुपये अगर मैं देखता हूं तो इक्विटी और डेट इक्विटी मिक्स बेटर है और अगर अस्सी हजार से आगे जाकर देखता हूं तो डेट इक्विटी बेटर आ रहा है ईपीएस देखकर ही चेक कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया कि अस्सी हजार से कम हो तो इक्विटी पे रहो अस्सी हजार पर इक्विटी और डेट इक्विटी मिक्स वाला ले सकते हो अस्सी हजार से ज्यादा हो तो डेट इक्विटी पर आप चले जाइए काम खत्म ये था हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस जो क्वेश्चन मैंने यहां पर करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना इन्हीं में से कोई एक चैप्टर आपके एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा चैप्टर का काम खत्म जी अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है चैप्टर ओवर हो गया सबको बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा आसान है जी बच्चों ने लाइक वीडियो को बहुत कम कर रखा है इस बात का हमें बहुत दुख रहेगा जीवन पर्यंत जी लाइव चैट होने किसी को कोई डाउट क्लियर है एकदम बिल्कुल हम्म <laughs> हम्म एक एक चीज आपको याद आ गई होगी एक एक चीज एक बच्चा कह रहा है रेशो में नेटवर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल सेम होता है बेटा रेशो में नहीं हर जगह पे सेम होता है वो एक बच्चा कह रहा है टैक्स सेविंग का कंसेप्ट पता तो कुछ नहीं करना अगर प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स देना पड़ता है लॉस आ रहा है तो टैक्स उल्टा हो जाएगा यानी रिवर्स हो जाएगा तो अगर प्रॉफिट पॉजिटिव है तो माइनस कर दीजिए टैक्स अगर प्रॉफिट नेगेटिव है तो टैक्स प्लस का साइन बन जाएगा ठीक है जी बिल्कुल ओके अब हमारे पास में यहां पर हमारा अगला जो चैप्टर है वो है लीवरेज आ जाओ भाई लीवरेज पर लीवरेज हम स्टार्ट करेंगे दस मिनट के ब्रेक के बाद इलेवन ट्वेंटी सिक्स हो रहे हैं दस मिनट का ब्रेक ये हो गया इलेवन थर्टी सिक्स इलेवन थर्टी सिक्स पर हम स्टार्ट करेंगे हेलो 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 देखेगा ये जी हमारे पास आ गया लास्ट चैप्टर आज का हेलो 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 बहुत बढ़िया हाँ जी देखेगा अब हमारे पास आ गया जी लीवरेज लास्ट चैप्टर बहुत ही सिंपल और इसके बाद आज इवनिंग वाले सेशन के बाद ये पूरा का, पूरा का का डी डी एंड हो जाएगा ठीक है है किसी कोई पॉइंट तो बता दीजिए हुँ, बच्चा कह रहे हैं सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट योर बुक इट सफिशियंट और नॉट बेटा हमने ढूंढ ढांड कर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए इसके अलावा आपको कहीं भी दिखता है ना जैसे मान लो देखो जितने क्वेश्चन मुझे एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं विद ऑल एडजस्टमेंट वो मैंने यहां पर कवर किए हुए हैं इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है जैसे आ, कहीं पे भी नजर आता है कि आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लेना चाहिए ठीक है तो मुझे लगता है कि हम लोग चालू करते हैं ये हमारी गई लाइव चैट लीवरेज टेक्निक लीवरेज टेक्निक बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर तीन रेशो दिए हुए हैं बेसिकली और उन तीन रेशो के बेसिस पे पूरा का पूरा हमारा चैप्टर आ जाता है तो बहुत ही सिंपल है लीवरेज के अंदर कनेक्शन दिखाया जाता है तो लीवरेज बेसिकली इन्फ्लुएंस या पावर को कहते हैं इसका मतलब है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ेगा जैसे सेल से ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा ईबीआईटी के चेंज होने से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा और सेल से ईपीएस तक क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास दो तरीके के रिस्क रहते हैं दो तरीके की कॉस्ट के बेसिस पर एक हमारे पास होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नॉन रिस्की कॉस्ट होती है उसका रीजन यह है वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी आपकी एक्टिविटी अगर जीरो है मान लो आपकी प्रोडक्शन जीरो यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रुपये होगी अब एक यूनिट है मान लीजिए सौ रुपये की जो आप बेचते हो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है उसमें पचास रुपये अब बताइए अगर सो यूनिट बनाओगे तो सेल भी मल्टीप्लाई बाई सो हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी मल्टीप्लाई बाई सो हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड रहती है प्रोडक्शन से इन दोनों में कुछ भी रिस्क नहीं है वेरिएबल कॉस्ट में कभी कोई रिस्क नहीं होता रीजन बिंग वेरिएबल कॉस्ट तब खर्च होगी जब आपके पास सेल रिवेन्यू भी आ रहा होगा लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की दिक्कत है मान लो वो एक लाख रुपए है तो एक यूनिट बनाओ सो यूनिट बनाओ या दस हजार यूनिट बनाओ वो एक लाख रुपए ही रहेगी तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रिस्क होती है रिस्क किस बात का कि पता नहीं फिक्स्ड कॉस्ट निकल पाएगी या नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट नो रिस्क कॉस्ट है यहां पर फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्सड कॉस्ट आप काम ना भी करो तो भी इनकर होती है इसलिए इसमें रिस्क रहता है कि क्या हम अपने बिजनेस से फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे या नहीं फिक्स्ड कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा गया एक है बिजनेस की ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट है सैलरी है ये सारी चीजें और दूसरा फाइनेंस की फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंस एक आता है आपका इक्विटी से वो नॉन फिक्स्ड कॉस्ट है दूसरा आता है डेट और प्रीफरेंस से तो डेट को इंटरेस्ट और प्रीफरेंस को प्रीफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है और ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट है तो हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट सैलरी एटसेट्रा ये सब आ जाएगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट लोन के ऊपर और प्रीफरेंस डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर्स के ऊपर कवर हो जाता है जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ये निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी इस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क कहते हैं और फाइनेंशियल कॉस्ट निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी इसे हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंबाइंड रिस्क बोला जाता है तो हमारे पास दो तरीके के रिस्क रहेंगे एक बिजनेस और एक फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क इस बात पर फोकस रहेगा कि क्या आप ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल पा रहे हैं या नहीं और फाइनेंशियल रिस्क इस बात पर रहेगा कि क्या हम फाइनेंशियल फिक्स बर्डन को पे करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हमारे पास जो अलग अलग लीवरेज है सबसे पहले है ऑपरेटिंग लीवरेज ये रिलेशनशिप दिखाती है सेल से ई तक की तो सेल से ईबीआईटी तक की रिलेशनशिप ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगा ई से लेकर ईबीएस तक का रिलेशन फाइनेंशियल लिवरेज दिखाएगी और सेल से पूरा ई तक का रिलेशन कंबाइंड लिवरेज हमें शो करती है हमारे पास तीन तरीके की लीवरेज रहेगी ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज सेल से ई तक का रिलेशन बताएगी ये बिजनेस रिस्क कितना है उसको कैलकुलेट करेगी जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज होगी बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क उतना ही ज्यादा होगा फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी से ई तक के रिलेशनशिप को बताता है जितनी भी फाइनेंशियल लीवरेज होगी ज्यादा उतना ही फाइनेंशियल रिस्क भी आपका ज्यादा होगा यह बताएगी फाइनेंशियल रिस्क कितना है और कंबाइंड लीवरेज सेल से ईपीएस तक के रिलेशनशिप को बताती है जितनी ज्यादा कंबाइंड लीवरेज होगी उतना ही ज्यादा कंबाइंड रिस्क आपके पास आएगा तो हमारे पास तीन लीवरेज आएंगी इनके तीन फॉर्मूले हैं और बस इनके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है सबसे पहली है हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों टर्म एक ही बात है अगर बात की जाती है ऑपरेटिंग लीवरेज की तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडी दूसरा रिलेशनशिप के बेसिस पर फॉर्मूला बना हुआ है कितने परसेंट चेंज हुआ ईबीआईटी में सेल में चेंज होने की वजह से तो जैसे हमारे पास 20 परसेंट ईबीआईटी बदल गया सेल में 10 परसेंट चेंज होने से तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज टू आ जाएगी

फोर्टी परसेंट हिस्सा MOS है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आप ऐसे निकाल सकते हैं या 40%, तो, लीवरेज आपकी आ जाएगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूले रहेंगे सबसे पहला फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशनआई टी दूसरा परसेंटेज चेंज इन ई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स तीसरा रहेगा सी एल डिवाइड बाई एफ एल और चौथा रहेगा अगर ऑपरेटिंग लीवरेज टू पॉइंट फाइव टाइम्स आ गई तो यह इंडिकेट करता है कि एक परसेंट अगर सेल में चेंज होगा तो टू पॉइंट फाइव टाइम ऑपरेटिंग लीवरेज है तो ईबीआईटी में टू पॉइंट फाइव परसेंट उसका इफेक्ट पड़ेगा तो एक परसेंट सेल के चेंज से टू पॉइंट फाइव परसेंट चेंज हो जाएगा अगर ऑपरेटिंग लीवरेज फाइव है तो सेल के एक परसेंट चेंज से ईबीआईटी 5% फाइव परसेंट चेंज हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज कभी भी जीरो और वन के बीच में नहीं आ सकती थेरेटिकली न्यूमेरिकली एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जहां पर ये जीरो और वन के बीच में आ जाए तो वो न्यूमेरिकल डिजाइन करने वाले ने गलती की है इसके बाद में जितनी भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी जितना ज्यादा बीपी होगा ऑपरेटिंग लीवरेज भी उतनी ही ज्यादा होगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपके रिस्क को दिखाती है बीपी अगर ज्यादा है फिक्सड कॉस्ट ज्यादा है तो आपके ऊपर रिस्क ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज्यादा होगी अगर कोई ऑपरेटिंग फिक्सड कॉस्ट है ही नहीं तो ऑपरेटिंग रिस्क भी नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज वन आती है ऑपरेटिंग लीवरेज वन का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है जितना ज्यादा एमओएस का प्रपोर्शन होगा रिस्क उतना ही कम होगा और ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम हो जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है बीपी ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज्यादा होगी एमओएस ज्यादा है तो रिस्क कम है और ऑपरेटिंग लीवरेज भी आपकी कम होगी इसके बाद हमारे पास आती है फाइनेंशियल लीवरेज

दूसरा चेंज के बेसिस पे फॉर्मुला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन यानी जैसे मान लीजिए दस परसेंट बदला और ईपीएस पचास परसेंट बदला है तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारी फाइव टाइम्स हो गई क्या पांच गुना हमारी फाइनेंशियल लीवरेज है और तीसरा फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का कंबाइंड लीवरेज से बना हुआ है कंबाइंड लीवरेज है अगर आपको एफ एल निकालना है तो कंबाइंड लीवरेज को ऑपरेटिंग लीवरेज से डिवाइड कर दीजिए कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज तो तीन फॉर्मूले रहेंगे ईटी डिवाइड बाईटी माइनस पीटी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तीसरा कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज कभी भी जीरो और वन के बीच में नहीं आ सकती थेरेटिकली लेकिन कई बार न्यूमेरिकल आईसीआई गलत डिजाइन करता है तो जीरो और वन के बीच में आपको मिल सकता है वैसे जीरो और वन के बीच में नहीं हो सकती जितनी ज्यादा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होगी यानी इंटरेस्ट और प्रिफरेंस डिविडेंड उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा और ऑपरेटिंग लीवरेज भी उतनी ही ज्यादा होगी अगर कोई ओन इक्विटी कंपनी है जिसमें सारा का सारा पैसा इक्विटी से आया है यानी कोई भी फिक्स नहीं है तो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा ऐसी में हम मर्ज तो हमारे पास आ जाती है ये सेल से सीधा ईपीएस तक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे बता देती है मान लीजिए कंबाइंड टू टाइम है तो सेल अगर एक परसेंट बढ़ेगी तो ईपीएस दो परसेंट बढ़ जाएगा

दूसरा है ओ एल इंटू एफ एल और तीसरा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इफेक्ट फाइनेंशियल लीवरेज का क्या पड़ेगा हमारे ऊपर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि आपने लोन लिया हुआ है तो हमारे पास लोन अगर आपने लिया है और आपकी आर ओ आई यानी बिजनेस की इनकम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा है तो जैसे मान लो हमारी रिटर्न है बारह परसेंट और इंटरेस्ट रेट है दस परसेंट तो ये लीवरेज आपको फायदा देगी लोन लेना आपको फायदा देगा क्योंकि लोन आपको दस परसेंट पर मिल गया कमाओगे बारह परसेंट दो परसेंट सीधा आपकी जेब में चला जाएगा तो ये फेवरेबल इफेक्ट देगी अगर ROI और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बराबर तो अगरेंस आ जाएगा कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं और अगर आर आपकी आठ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दस परसेंट है तो आप नुकसान में जाने वाले हो ये अनफेवरेबल सिचुएशन को शो करेगा इसके बाद में हमारे पास आता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर कैपिटल को पेमेंट होती है आफ्टर टैक्स तो इसमें जो रिटर्न आएगी वो भी आफ्टर टैक्स देखनी होगी अगर हमारी आफ्टर टैक्स रेट ऑफ से ज्यादा है दस परसेंट तो यहाँ पर आपको फायदा होगा क्योंकि आफ्टर टैक्स कमाई आपकी बारह परसेंट है और आफ्टर टैक्स पेमेंट दस परसेंट दो परसेंट सीधा इक्विटी शेयर होल्डर को बच जाएगा तो फेवरेबल रहेगा अगर ये दोनों एक बराबर है तो इनडिफरेंस और अगर आपकी आफ्टर टैक्स इनकम रेट ऑफ पीटी से कम है मान लीजिए एट परसेंट है और देना दस परसेंट है तो आपको अपनी जेब से दो परसेंट देने होंगे तो इसको हम अनफेवरेबल सिचुएशन बोलते हैं एक बात कही जाती है कि फाइनेंशियल लीवरेज डबल एज शॉर्ट की तरह से काम करती है तो फाइनेंशियल लीवरेज में जैसे डेट हो गया तो डेट एक तो चीपर सोर्स है सस्ता है आपके पास दूसरा उस पर इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग मिल जाती है तो एक तरफ तो डेट हमें फायदा देता है बेनिफिट देता है दूसरी तरफ अगर आपकी कमाई नहीं है तो कमाई नहीं भी होगी तो डेट को पेमेंट करनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ वो आपके सामने रिस्क क्रिएट कर देता है बर्डन क्रिएट कर देता है कि कमाई नहीं है तो तुम्हारे सर पर बर्डन है कमाई है तो तुम्हारे को फायदा ही फायदा है क्योंकि इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और डेट वैसे भी सस्ता मिलता है उसकी परसेंटेज कम होती है तो इसलिए ये डबल एच शॉर्ट की तरफ से बोली जाती है कि एक तरफ से फायदा देती है तो एक तरफ से नुकसान देती है और एक टर्म कई बार पूछी जाती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है अगर आपका इक्विटी बेस बहुत कम है जैसे मान लो दस करोड़ की कंपनी है उसमें इक्विटी से पचास लाख रुपए आए हैं बाकी साढ़े नौ करोड़ रुपए डेट से और प्रीफरेंस शेयर है ऐसी फंडिंग है तो हम इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी का बेस जरूरत से ज्यादा कम होना इसीलिए कंपनी लो में भी लिखा हुआ है कि डेट इक्विटी रेशन से ऊपर नहीं हो सकता उससे ऊपर आप डेट इेट नहीं कर सकते क्योंकि कल को आप डेट की पेमेंट करोगे कैसे अगर कंपनी रिसेशन में आ गई या बिजनेस डाउन हो गया तो सारे डेट का पैसा मर जाएगा तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि इक्विटी का बेस बहुत कम है और उसके ऊपर आपने बहुत बड़ा लोन ले लिया है इसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं ये एक अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस नहीं मानी जाती इसके जो क्वेश्चन है वो बड़े सिंपल है अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन इसके हमने रखे हुए हैं कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन वन एंड टू एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी तो दो सिचुएशन और दो प्लान है यानी चार कॉम्बिनेशन है दो सिचुएशन दो प्लान टोटल चार कॉम्बिनेशन आएंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फोर थाउजेंड यूनिट है एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैपेसिटी है यानी थ्री थाउजेंड यूनिट आपके पास आ गई

दूसरी में डेट से दस हजार और पांच हजार है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट है यानी यहां पर दो हजार का इंटरेस्ट जाएगा और यहां पर एक हजार रुपए का इंटरेस्ट चला जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास दो सिचुएशन दो फाइनेंशियल प्लान है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे सिचुएशन वन में दोनों प्लान फिर सिचुएशन टू में दोनों प्लान चार कॉलम बन गए सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन सब तक सेम आ जाएगा उसके बाद सिचुएशन वन की फिक्स्ड कॉस्ट पंद्रह पंद्रह हजार रुपए माइनस होगी ईबीआईटी आ गया और सिचुएशन टू में फिक्स दो, दो हजार रुपए माइनस होगी पच्चीस पच्चीस होगा दो हजार और प्लान बी में माइनस होगा एक हजार हमारे पास निकल कर आ जाएगा यहां पर ओएल एफएल और सीएल आपके पास निकल कर आ जाएंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है ये फाइव मार्क्स में आएगा इससे ऊपर इसकी वर्थ नहीं है लीवरेज के जो क्वेश्चन है वो छोटे होते हैं पांच नंबर के आते हैं कोई बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तो दस नंबर में देगा इसके बाद हमारे पास बीबी क्यू नाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ वन करोड़ रुपीज सौ रुपए का शेयर है एंड टेन लैख टेन परसेंट डिवेंचर तो इसका मतलब एक लाख रुपए का इंटरेस्ट है इनके ऊपर सेल इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम वन लेख यूनिट टू वन ट्वेंटी यूनिट हमारी सेल एक लाख से एक लाख बीस हजार यूनिट हो गई है सेल प्राइस दस रुपए है वेरिएबल कॉस्ट छह रुपए है फिक्स्ड कॉस्ट दो लाख है इनकम टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है ठीक है कह रहे हैं आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस ईपीएस कितना बढ़ेगा तो एक लाख यूनिट एक लाख बीस हजार यूनिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस की प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट माइनस किया पीबीटी टैक्स माइनस किया पीएटी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया ईपीएस आगे हमारा ईपीएस पहले पचास पैसे था अब नब्बे पैसे हो गया है तो इंक्रीज इन ईपीएस पी एटी परसेंट निकल कर आ जाएगा तो ये बिल्कुल सिंपल होता है सारा डेटा इसमें दिया जाएगा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना होता इसके बाद में दूसरा कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ एक लाख यूनिट पर और एक बीस यूनिट पर तो ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड टू टाइम्स आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडी फोर एटी जी फिर कह रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताओ वन लैख और वन ट्वेंटी यूनिट पर तो फाइनेंशियल लीवरेज में ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी बाईटीआईटी डिवाइड ईबीटी इसका आ गया टू और इसका अगेट टू एटी डिवाइड बाई वन एटी वन पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है तो टू, टू, लीवरेज निकल आई फिर कह रहे हैं, कमेंट करो पर ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल तो में अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका रिस्क कम होगा रिस्क कम होगा तो आपकी लीवरेज भी कम हो जाएगी तो यहां पर आपका बिजनेस बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो आपकी लीवरेज देखिए टू से वन पॉइंट सेवन वन हो गई और यहां टू से वन पॉइंट फाइव सिक्स हो गई तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रिस्क कम होता जाएगा और लीवरेज भी कम होती जाएगी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सेल विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन रिस्क तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन और सेल बढ़ता है आपका रिस्क कम हो जाता है इसके बाद में हमारे पास बीबीक्यू 10 ये एमओएस के ऊपर ऑपरेटिंग लीवरेज का क्वेश्चन है

यूनिट कितनी बेची है एक हजार एमओएस कितना हो गया आपके पास दो सौ पचास यूनिट सेवन फिफ्टी यूनिट बीपी हो गया दो सौ पचास यूनिट एमओएस हो गया अब बताइए सेल का कितना हिस्सा एमओएस है तो एक हजार में से दो सौ पचास यूनिट एमओएस है यानी एमओएस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल या फिर पॉइंट टू फाइव है अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है तो वन डिवाइड बाई डिवाइड बाई एमओएस आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज आपके पास आ गई फोर ऑपरेटिंग तो लीवरेज आपके पास फोर निकल जाएगी इस तरह से एमओएस से लिंक करके क्वेश्चन आपके पास आ सकता है आ गया टाइम्स एक क्वेश्चन है बीबीक्यू क्यू इलेवन अब हमारे पास इसके अंदर ना लीवरेज के अंदर एग्जामिनर लीवरेज आपको कई बार बता देता है और आपसे कहता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो पहले क्वेश्चन में क्या था इनकम स्टेटमेंट का डेटा दे दिया हमें और हमसे लीवरेज निकलवाई अब क्या करेगा लीवरेज का डेटा देगा और आपसे इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है Company P and Q are having same earning before tax. However, the margin of safety of company P is 0.20. For company Q is 1.25 times than the company P. अब देखिए पहले company P की हम MOS है आपके पास 0.2 तो one divide by 0.2 इसका आ जाएगा operating leverage five times. हम पहले margin of safety इसकी twenty percent है और इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज ओएल 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 कंपनी ए का ओएल ऑपरेटिंग लीवरेज वन डिवाइड आ गया अब हमारे पास दूसरी कंपनी कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पी की पॉइंट टू है और कंपनी क्यू की वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स देन दैट ऑफ कंपनी पी है तो अगर इसकी पॉइंट टू है इसका वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स कितना हो गया Into इसका MOS हो गया इसकी लीवरेज आपके पास आ गई तो दूसरे की आ आ गई गई अब इसके बाद में पे इसकी हो इसकी हो इसकी लीवरेज आ गए आ गए आपके पास फाइव दूसरी कंपनी की ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी फोर तो एक एक पॉइंट बताता जाएगा वर्किंग नोट में उस पॉइंट को हम निकालते जाएंगे ठीक है आगे कह रहे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ पी इज वन फिफ्टी एंड Q इज वन थर्ड लेस देन ऑफ P. तो इसका है 150 और इसका इससे वन थर्ड कम है तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस एक लाख रुपए हो जाएगा तो इसका इंटरेस्ट है 150. तो इसका इंटरेस्ट हो गया वन लैक ठीक है जी इंटरेस्ट आ गया अब कह रहे हैं फर्दर द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी पी इज फोर कंपनी Q इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ P. तो P की फाइनेंशियल लिवरेज है फोर और क्यू की सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पी का है तो इसकी आ जाएगी थ्री टाइम आ गई एक की थ्री आ गई इसकी फोर टाइम्स है फाइनेंशियल लिवरेज इसकी टाइम्स आ आ गई इंटरेस्ट इसका 150 है, इसका है गया ओके जी अब इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं पीवी रेशो पच्चीस परसेंट और थर्टी थ्री परसेंट है टैक्स का रेट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव परसेंट है आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ चुकी है अब हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास अभी तक न्यूमेरिक फिगर में सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है हमें स्टार्टिंग करनी होती है न्यूमेरिक फिगर से वही हमारा क्वेश्चन सोल्व करवाता है तो न्यूमेरिक फिगर में आपके पास इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट आपके पास पी का आ गया है 150 और क्यू का आ गया है 1 लाख अब जरा देखिए हमारे पास इनकी फाइनेंशियल डिवरेज है पी की फाइनेंशियल डिवरेज है 4 और क्यू की है 3 अब जरा देखिए फाइनेंशियल लिवरेज इक्व ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी माइनस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाओगे तो ईबीटी आ जाता है फाइनेंशियल लिवरेज दी हुई है फोर इंटरेस्ट दिया हुआ है वन फिफ्टी बी के लिए बता रहा हूं मैं अब ये ईबीआईटी और माइनस वन फिफ्टी सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ईबीआईटी इक्व टू फोर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हो गया सिक्स लैख अब ये फोर ई बी आई टी यहां पर आकर माइनस हो गया माइनस का थ्री आई टीवस टू माइनस का सिक्स लैख माइनस से माइनस कैंसिल टू तो पहले वाले का ई बी आई टी टू लैख आ गया ये आ गया जी पहले वाले का ई बी आई टी टू लैख इसी तरीके से दूसरे वाले का ई बी आई टी भी हम निकाल देंगे तो हमारे पास कंपनी ए के लिए टू लैख आ गया सेम ऐसी कंपनी बी का EBIT, interest, यहां interest एक है और है, किया, इसका आ, गया, 150. 150 आ गया अब जरा देखिए यहाँ से नीचे तक का पूरा बन जाएगा अब ई बी आई टी आपके पास है दोनों का इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी आ गया टैक्स रेट दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का तो सोल्व हो गया अब ऊपर जाना है तो आपके पास ई बी आई टी है कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी ओ एल से लिंक होते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज पहले वाले की आपके पास आई थी ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी मुझे पता है दो लाख ,00 है ऑपरेटिंग लीवरेज फाइव टाइम्स है दो लाख फाइव में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू दस लाख निकल आएगा तो पहले वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन दस लाख आ गया फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर बनेगी आठ लाख रुपए ठीक है ऐसी ही दूसरा वाले की सॉल्व हो जाएगी अब इन्होंने पीवी रेशो दे रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो हमारे पास ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन दस लाख और छह लाख लिखा हुआ है ये हो गया ट्वेंटी और 33 .33%. आप दस लाख को दस लाख रुपए सेल का पच्चीस परसेंट है तो सेल कितनी होगी चालीस लाख वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर और सिक्स लैख है आपकी थर्टी थ्री परसेंट तो सेल कितनी होगी एटीन लैख तो इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है ये जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं ईसीआई कई बार इसको फाइव मार्क्स में देता है कई बार टेन मार्क्स में ये आईसीआई की मर्जी है पांच नंबर और दस नंबर दोनों में से किसी भी जगह पर आपको एडजस्ट कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये क्वेश्चन है इसमें अच्छी खासी वर्किंग है तो ये दस नंबर में आएगा अगर सीधा सीधा डेटा दिया होगा तो फिर फाइव मार्क्स में देगा आपको इसके बाद आ, हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन आया था बीबी क्यू ट्वेल्व अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल का फाइव परसेंट है इनकम टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग तीन लाख रुपए के तो तीस हजार का आपके पास इंटरेस्ट हो गया लाख रुपए है, है, ठीक फिर इन्होंने हाँ पर ये 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 आपको दे दिया, के अंदर माइनस वेरिएबल कॉस्ट छह लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी इंटरेस्ट यहां पर हमारे पास तीस हजार रुपए आ गया यहां तीस हजार लिख देता हूं थर्टी थाउजेंड ये गिवन है ईबीटी इनकम टैक्स तो कह रहे हैं आपसे कि आपको तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को तो देखिए अगर मान लो हमारी सेल है एक्स या सीधे सेल भी ले सकते हैं कि सेल सेल का का मतलब सेल्स है है अर्निंग आफ्टर टैक्स ये देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स है सेल का फाइव परसेंट मैं एस लिख देता हूँ फाइव परसेंट ऑफ सेल इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट है तो इसका मतलब आधा पैसा टैक्स में गया होगा तो आपने कमाया होगा डबल तो इसका मतलब आपने टेन ऑफ सेल कमाया होगा तो सेल का मतलब तो दस आपने कमाया है ठीक है यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया तीस हजार ऊपर आ गया ईबीआईटी फिर फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट आपको दी गई है ठीक है ऑपरेटिंग लीवरेज इन्होंने बोला है फोर टाइम है तो ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का लिंक आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई ठीक है अब यहां पर देखिए ये हमारे पास एस में टेन परसेंट और फाइव परसेंट आ गया इसके बाद हमारे पास वर्किंग में सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी हम इसको कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड कॉस्ट लिख सकते हैं ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है फोर टाइम्स कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्सड कॉस्ट दोनों सामने चले गए तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फोर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फोर फिक्स कॉस्ट माइनस का थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू माइनस की कॉस्ट fix, माइनस से माइनस कैंसिल फिक्स कॉस्ट इक्व टू थ्री फोर्थ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया थ्री फोर्थ को आप सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल में से छह लाख रुपए चले गए ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फिक्सड कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की सेवनटी फाइव परसेंट है तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सेल्स माइनस सिक्स लाख रुपीज इसी का सेवनटी फाइव परसेंट अगर मैं कर दूं सेवेंटी फाइव परसेंट सेल माइनस फोर फिफ्टी तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी तो यहां पर मेरे पास सेल का सेवनटी फाइव परसेंट माइनस फिक्स कॉस्ट फोर फिफ्टी आ गया ये आपके पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आ गई सेवेंटी फाइव परसेंट एस माइनस फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इसके बाद में हमारे पास अर्निंग आ, एक मिनट आता हूँ मैं गेट पे कोई आया हुआ है वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट एक मिनट आ रही हैं बस हाँ जी देखिए अब हमारे पास यहां पर जो डेटा इकट्ठा हुआ है अभी तक हुआ है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल माइनस फोर फिफ्टी ईबीटी टेन परसेंट ऑफ सेल है और फाइव परसेंट ऑफ सेल आ गया ईएटी इनकम टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स मान के भी कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास ईएटी ए टू सेल का फाइव परसेंट है तो सेल का दस परसेंट हो गया ये हमारे पास निकल आया अब जरा तक कैसे पहुंचेंगे EBT तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट जो जो दी हुई है आ गया फिक्स्ड हमारे पास तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट यानी छह लाख ,00 अगर माइनस करें ये देखिए सेल्स माइनस छह लाख रुपए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हो गई सेवेंटी फाइव परसेंट सेल माइनस फोर फिफ्टी और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में हमारा इंटरेस्ट माइनस हो गया तीस हजार रुपए ये हमारा ईबीटी आ गया और ईबीटी है टेन परसेंट सेल्स ठीक है अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सेल हमारे पास निकलकर आ जाएगी तो ईबीटी इक्व टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट टेन परसेंट सेल का आपके पास आ गया ई सामने पूरी की पूरी फिगर रख दीजिए बाकी न्यूमेरिक चीजें सोल्व कर लीजिए यहां पर टेन परसेंट सेल टू इसको सोल्व करते जाइए और सेल इक्वास्ट टू तो बारह लाख रुपए आ गई जैसी सेल आपके पास बारह लाख रुपए आ गई ये पूरा स्टेटमेंट अब भरता चला जाएगा सेल हो गई जी बारह लाख वेरिएबल कॉस्ट हो गई सिक्स लैख कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया सिक्स लैख फिक्स्ड कॉस्ट था सेल का पिछहत्तर परसेंट माइनस फोर फिफ्टी तो सेल का पिछहत्तर परसेंट हो गया नाइन लैख माइनस फोर फिफ्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड की आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई ई बी आई टी आपके पास बचाट फाइव लैख तीस हजार रुपए का आपका इंटरेस्ट हो गया ये बच गया एक लाख बीस हजार का ईबीटी बी साठ हजार का इनकम टैक्स और साठ हजार रुपये आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया तो ये स्टेटमेंट हमें लेना था कि सेल से ईबीटी दिया हुआ था और ई दिया हुआ था और ऊपर फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दी कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है जो सेवेंटी माइनस फोर है ओ के थ्रू और काम हमारा हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना था फिर फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज पूछा है तो फाइनेंशियल लीवरेज सिंपल है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबिटी तो 150 डिवाइडेड बाई 120 ये आ गई 1.25 कंबाइंड लीवरेज पूछा है तो ओएल एफएल ओएल है 4 एफएल है 1.25 ये हो गई 5 टाइम्स फिर कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीज बाय 5% तो सेल से ईपीएस तक का लिंकेज कंबाइंड लीवरेज से आती है कंबाइंड लीवरेज है फाइव तो सेल अगर पांच परसेंट चेंज हुई है तो उसका पांच गुना ईपीएस चेंज होगा तो हमारा ईपीएस पच्चीस परसेंट चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ये आगे दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पच्चीस हो जाएगी ओके तो इनकम स्टेटमेंट का अच्छा क्वेश्चन है इससे अच्छा क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट का नहीं है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसके बाद में बीबी क्यू थर्टीन ये एग्जाम में करीब बारह बार आ चुका है ईसीआई को जब कुछ नहीं मिलता तो इसे पूछ लेता है ये नौ बार तो आया है दस नंबर में और तीन बार आया है पांच नंबर में तो दस या पांच किसी में भी फिक्स कर देते हैं इसको क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है इसमें आपको एक बैलेंस शीट मिल जाती है सेम सेम टू यही मिलेगी इसके बाद में में एडिशनल इंफॉर्मेशन चार पॉइंट देता है फिक्स्ड कॉस्ट चार करोड़ वेरिएबल कॉस्ट सिक्स परसेंट है टोटल एसेट टर्नओवर एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल टोटल आपके आपके पास है, 20 तो आपके पास है करोड़ तो सेल्स आ जाएगी sale आ आ आ गई गई आपके पास करोड़ करोड़ की sale आ गई, 65 variable cost है minus कर दीजिए जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट चार करोड़ है माइनस कर दीजिए आ जाएगा इंटरेस्ट दस करोड़ का पंद्रह परसेंट वन पॉइंट फाइव करोड़ का इंटरेस्ट है माइनस कर दीजिए आ आ आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है। आ जाएगा, है, है है, कर कर दीजिए, दीजिए, लाख लाख से तो इसकी पहली है EPS, वो सीधी हो जाती ये सेल फिफ्टी करोड़ वेरिएबल कॉस्ट माइनस की कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है माइनस की ईबीआईटी आ गया इंटरेस्ट डेढ़ करोड़ माइनस किया ईबीटी आ गया टैक्स थ्री पॉइंट सिक्स जो भी था चला गया ईएटी आ गया अब ईएटी को 50 लाख शेयर से डिवाइड कर दो ईपीएस आ जाएगा 50 लाख शेयर से डिवाइड किया ईपीएस आ गया फिर ओएल एफएल ओसीएल पूछ रहा है तो देखिए ओएन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 17.5 डिवाइड बाय 13.5 ये आ गया 1.296 इसके बाद में EBIT को EBT से डिवाइड करोगे 13.5 को 12 से ये आ गया हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज और OL और FL को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंबाइंड लिवरेज जा आ जाएगी 1.296 ये आ आ 1.458 ये तीनों लीवरेज निकल कर आ जाएंगे तो 1.296, 1.125 एंड 1.458 ये फाइव मार्क्स का मेरे हिसाब से बनता है पर नंबर में एग्जामिनर इसको पूछता रहता है एक है बीबीक्यू 14 ये आजकल होट क्वेश्चन बना हुआ है इसके अंदर एक पॉइंट है जिसकी वजह से होट क्वेश्चन बना हुआ है और ये नया क्वेश्चन भी ऐड हुआ है ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है क्वेश्चन देखते हैं अक्सर लिमिटेड है सेल्स ऑफ सिक्सटी एट लैक अड़सठ लाख रुपए की सेल है ठीक है वेरिएबल कॉस्ट है सिक्सटी परसेंट कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंपनी है फिक्स्ड कॉस्ट सिक्सटीन थर्टी टू कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे एबीआईटी आ जाएगा आपके पास कंपनी कंपराइज ट्वेल्व परसेंट लॉन्ग टर्म डेट लेकिन कितने रुपए का लोन है ये नहीं बताया ओके वन लाख रुपीज प्रीफरेंस शेयर है दस रुपए का एक दस परसेंट इस पर डिविडेंड है तो वन लाख रुपीज के आपके पास प्रीफरेंस शेयर है दस रुपए का डिविडेंड है 10%. तो एक लाख यहां पर लाख शेयर नहीं है अमाउंट लिखा हुआ है रुपीज का साइन है एक लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर है दस हजार आपका प्रिफ्रेंस डिविडेंड हो गया एक लाख का दस परसेंट एक लाख पचास हजार इक्विटी शेयर है आपके पास टैक्स रेट थर्टी परसेंट है एट करंट सेल्स लेवल डिटरमाइन इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्यों डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है क्योंकि इसने ये तो बता दिया कि लॉन्ग टर्म डेट बारह परसेंट है लेकिन अमाउंट ऑफ डेट नहीं बताई तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ डेट गायब है तो डेट की अमाउंट गायब है तो इंटरेस्ट भी आप अभी नहीं निकाल सकते कह रहे ईपीएस निकालो आप अभी ईपीएस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि जब तक बीच में इंटरेस्ट वाला पोर्शन गायब है तब तक आप ईएटी तक नहीं पहुंच पाओगे फिर ईएटी में से में डिविडेंड माइनस होगा तब ईपीएस आएगा कह रहे हैं अमाउंट ऑफ डेट भी आपको बतानी है तो हमारे को तीन चीजें इसमें बतानी है इंटरेस्ट डेट और ईपीएस ओके फॉर द फर्म अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा इफ डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट द ईपीएस वाइप आउट ऑल ईपीएस का मतलब होता है वाइप आउट का मतलब सफाया करना तो वाइप आउट ऑल ईपीएस का मतलब है कि ईपीएस अब आपका जीरो हो जाएगा तो बताइए आपका जीरो हो जाएगा जितना भी था उससे जीरो हो जाएगा। हो जाएगा जाएगा यानी कि डिक्लाइन किसी चीज का जीरो हंड्रेड परसेंट रिड्यूस हो जाना तो बताइए इसमें सेल की परसेंटेज से बेसिकली ये वाइप आउट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पच्चीस परसेंट डिक्लाइन होगा सेल में तो ईपीएस में हंड्रेड परसेंट डिक्लाइन हो जाएगा तो हमारे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स अब कह रहे हैं ईपीएस का हंड्रेड परसेंट सफाया हो जाए अगर सेल पच्चीस परसेंट कम हो जाए तो तो इसका मतलब हमारी कंबाइंड लीवरेज फोर टाइम्स है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कंबाइंड लीवरेज को समझ पाना ये जो लिखा हुआ है वाइप आउट ईपीएस इसका मतलब ईपीएस का सफाया हो जाएगा तो परसेंट सेल कम होगी तो ईपीएस 100% परसेंट साफ हो जाएगा तो चेंज इन ईपीएस 100% परसेंट चेंज इन सेल्स 25 परसेंट फोर टाइम्स आ गई तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लीवरेज निकालनी चुकी है four times. अब का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कंबाइंड लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला है आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड ईबीटी माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स इसकी हमें सारी चीजें पता है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा आपके पास 68 ,00 में से सिक्सेंट माइनस कर दो सत्ताईस लाख बीस हजार का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ठीक है जी लाख हजार ,00 का हमारे पास आ गया डिवाइडेड ई ईबीटी ईबीटी तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट चाहिए वो मुझे पता नहीं माइनस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स इक्व टू फोर टाइम्स है ठीक है जी अब मैंने इसको सोल्व किया दस हजार डिवाइड बाई पॉइंट सेवन ये हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर में अब इसको सोल्व करेंगे तो EBT निकल जाएगा सिक्स नाइनटी फोर टू एटी सिक्स अब जरा देखिए सेल से मेरे पास सिक्सटी एट लैख वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास सिक्सटी परसेंट फोर्टी पॉइंट एट लैख कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास बच गया ट्वेंटी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड कॉस्ट मेरे पास दी हुई है सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटीन थर्टी टू मेरे पास आ गया ई बी आई टी ई बी आई टी आ गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन थर्टी टू दस लाख अट्ठासी हजार अब यहां पर आएगा इंटरेस्ट जो मुझे पता नहीं फिर आएगा ईबीडी EBT में निकाल चुका हूं बताइए आपके पास इंटरेस्ट है तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की इंटरेस्ट बताइए कितना आएगा तो इंटरेस्ट मेरे पास आ गया थ्री नाइन थ्री सेवन वन फोर ओके लोन का रेट कितना है बारह परसेंट इसी इंटरेस्ट को अगर मैं बारह परसेंट से डिवाइड कर दूं मेरे पास डेट आ जाएगा डिवाइड बाई टेट आ गया थ्री टू एट जीरो नाइन फाइव जीरो मेरे पास डेट की अमाउंट निकल गई दो चीजें क्लियर हो गई तीसरा पूछा है ईपीएस नंबर ऑफ शेयर कितने क्वेश्चन में वन फिफ्टी शेयर है थर्टी परसेंट टैक्स है ठीक है ईबीटी तक मैं पहुंच चुका हूं थर्टी परसेंट टैक्स दीजिए सिक्स नाइन फोर टू एट सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी परसेंट 208286 माइनस इक्व टू फोर इसमें से रिफ्रेंस डिविडेंड माइनस करिए दस हजार ये हो गया फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड अर्निंग फॉर इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए आपके पास ईपीएस निकल आएगा थ्री पॉइंट वन सेवन थ्री ठीक ठीक डिवाइड किया है मैंने है मेरे पास ईपीएस निकल कर आ गया तो ये क्वेश्चन आएगा तो पांच नंबर नहीं दस में नहीं आएगा पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वाइप आउट ईपीएस वाली लाइन है ये कई जगह पे देखी जा रही है आजकल लेटेस्ट आर टीपी एम टी क्योंकि ये वाइप आउट वाली लाइन नई नई ढूंढी आई थी तो ये क्वेश्चन में लाइन आपको मिल सकती है ये एक होर्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इसके बाद में हमारे पास है बीबीक्यू 15 इसके अंदर हमने सारी चीजें रखनी है बीवीक्यू 15 में जो भी चीज पूछ सकता है इससे अब फर्म है सेल ऑफ 75 लाख वेरिएबल कॉस्ट 56% फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख डेट 45 लाख का है 9% पर और इक्विटी है 55 लाख के ठीक है सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज फर्म आरओआई तो फर्म आरओआई के अंदर हमारे पास रुक जाओ जरा मैं यहां पर पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ सेल्स सेवेंटी फाइव लैख वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी सिक्स परसेंट सेवेंटी फाइव लैख का फिफ्टी सिक्स परसेंट फोर्टी टू लैख कॉन्ट्रीब्यूशन बच गया थर्टी थ्री लैख फिक्सड कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो सिक्स लैख सिक्स लैख चलेगी ट्वेंटी सेवन लैख आ गया ई लेस इंटरेस्ट माइनस करेंगे फोर्टी फाइव लैक का नाइन परसेंट फोर जीरो बचा ट्वेंटी फाइव थाउजेंडीडी और कुछ इसके आगे टैक्स वैक्स दिया हुआ है बाकी कुछ नहीं हुआ यहां तक की इंफॉर्मेशन मेरे पास है ठीक है सबसे पहले पूछ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय

एक करोड़ की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई आपकी ROI आ गई ठीक है जी दूसरा पॉइंट डज इट फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज तो आपका बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका नाइन परसेंट तो आर ओ आई इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ओ आई है सत्ताईस परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है नाइन परसेंट तो यस आपकी लिवरेज फेवरेबल है क्योंकि आप कमा जाता रहे हो और पेमेंट आपको कम करनी है तीसरा इफ फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्रीपिटल टर्न ओवर एच थ्री कैपिटल टर्न ओवर एम्प्लॉय टर्न ओवर एशो डेज हाई और लो कैपिटल टर्न ओवर तो हमारी सेल कितनी है पिछहत्तर लाख कैपिटल टर्न ओवर इक्व टू सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉय सेल है पिछहत्तर लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है हंड्रेड लैक

फाइनेंशियल के लिए ई बी आई डिवाइडेड बाय 2295 1.176 फाइव है हमारी फाइनेंशियल और कंबाइंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए वन पॉइंट वन सेवन सिक्स मल्टीप्लाई टू ये आ गई सेवन फोर तो वन पॉइंट फोर थ्री हमारी आ गई तीनों लीवरेज निकल कर आ गई इफ सेल इंक्रीज बाई टेन परसेंट ईबीआईटी में कितना फर्क पड़ेगा तो सेल से ईबीआईटी का फर्क ऑपरेटिंग लीवरेज से आता है 1.22 है तो ये 10 परसेंट बढ़ेगा तो इसका 1.22 10 टू टू ये 12.2 परसेंट इंक्रीज हो जाएगी सेकंड एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू जीरो कितनी सेल पर ईबीटी हमारा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ईबीटी कैसे आता है बी तक तो कैसे पहुंचेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट आप ईबीटी पर पहुंच जाएंगे ईबीटी है जीरो माइनस वेरिएबल कॉस्ट है सेल का फिफ्टी सिक्स परसेंट फिक्स कॉस्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन में थर्टी टू नहीं ये वाला नहीं ये वाला है सिक्स लाख और इंटरेस्ट है चार लाख पांच हजार ये है चार लाख पांच हजार ठीक है अब देखिए फोर्टी फोर परसेंट सेल रह गई और ये छह लाख और चार लाख पांच हजार हो गए दस लाख पांच हजार सामने चले जाएंगे दस लाख पांच हजार रुपए इक्व टू फोर्टी फोर परसेंट सेल्स सेल्स इक्व टू दस लाख पांच हजार डिवाइड बाई फोर्टी फोर परसेंट ट्वेंटी टू एटी फोर जीरो ट्वेंटी टू एटी फोर जीरो नाइनटी वन पर सेल पर आपका ई बी टी जीरो हो जाएगा और जी के अलावा कोई पॉइंट यस yes. यहां पर ये यह पॉइंट इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट वोट परसेंटेज ऑफ ईबीटी विल इंक्रीज अब देखो ईबीआईटी से ईपीएस का लिंक तो पता होता है कि ईबीआईटी से ईपीएस का लिंक है पर ईबीआईटी से ईबीटी का लिंक किसी को नहीं पता होता तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं जैसे देखो मेरा ईबीआईटी दस लाख है ठीक है और इंटरेस्ट है मेरा दो लाख ईबीटी मेरा हो गया आठ लाख अब मेरे पास टैक्स है फिफ्टी परसेंट चार लाख का टैक्स गया चार लाख रुपए बचे ई ए टी अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है दस हजार या एक लाख ले लेता हूं एक लाख नंबर ऑफ शेयर है मेरा ईपीएस हो गया चार रुपए ठीक है ये हमारी करंट सिचुएशन है अब अगली सिचुएशन देखते हैं यहां पर जरा ई का ईबीटी से रिलेशन देखिए फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ गई आपके पास टेन बाई एट फाइनेंशियल लीवरेज है तो अब जरा देखिए टी में जितना भी चेंज होगा अगर ईबीआईटी 10 दस परसेंट बढ़ेगा तो हमारा जो ईपीएस है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ेगा यहां से यहां पर रीजन बींग फाइनेंशियल लीवरेज वन पॉइंट टू फाइव है तो अगर मैं यहां पर इलेवन लेक ,00 कर रहा हूं तो यहां पर ये फोर प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ये फोर पॉइंट फाइव रुपीज हो जाएगा EPS. अब इसको चेक करके देखते हैं इंटरेस्ट दो लाख है बचे नाइन लाख टैक्स आधा जाना है साढ़े चार लाख का टैक्स गया साढ़े चार लाख आ गए नंबर ऑफ शेयर एक लाख से डिवाइड किया फोर पॉइंट फाइव आ गया तो बच्चों को ये तो पता होता है कि ईबीआईटी का ईपीएस से क्या लिंक है यानी कि अगर दस परसेंट ई बढ़ेगा तो ईपीएस इतना बढ़ेगा लेकिन मैं आपको बता दूं आप चेक करके देखिए ये तो लास्ट लिंक बता रखा है बेसिकली फॉर्मूला कहां से कहां तक है ईबीआईटी से ईबीटी तक तो यहां से यहीं पर ट्वेल्व परसेंट बढ़ना चालू हो जाए ट्वेल्व पॉइंट फाइव आप चेक करिए लाख लाख से रुपए का ईबीटी हो गया तो आठ प्लस ट्वेल्व परसेंट नाइन लैक आपका ईबीआईटी हो गया सॉरी ई बी टैक्स भी देखेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो भी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ेगा और ईपीएस भी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ेगा यानी ईबीआईटी का जो ईपीएस से लिंक है वही लिंक इसका ईबीटी से वही लिंक इसका टैक्स से भी है तो हमारे पास अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई ईबीआईटी बढ़ने पर ईबीटी कितना इंक्रीज होगा तो आपको दिमाग में वो ईपीएस वाला लिंक ही रखना है तो ईबीआईटी से ईपीएस का लिंक किससे आता है फाइनेंशियल लिवरेज से फाइनेंशियल लिवरेज है तो है हमारी फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी बढ़ा है ट्वेंटी परसेंट तो हमारे पास ई बी टी बढ़ेगा मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ईबीटी बढ़ेगा आपका ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव टू परसेंट तो जो ईबीआईटी का जो ईबीटी से रिलेशन होता है वही ईपीएस से भी रिलेशन होता है तो ईबीआईटी से ईबीटी भी पूछ रहा है तो सेम आंसर आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव टू परसेंट यह हमारे पास लीवरेज का काम खत्म लीवरेज भी पूरा डिवाइड हो गया आज हम बिल्कुल एफएम के रिवीजन के दी एंड पर पहुंच गए जितने भी क्वेश्चन हैं जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो सारी की सारी इन बूस्टर के क्वेश्चन रेयर चांस से बहुत है कोई क्वेश्चन आए और कोई आएगा भी तो इन्हीं एडजस्टमेंट को जोड़ तोड़ कर आएगा कोई नई एडजस्टमेंट्स नहीं, नहीं होंगी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी कवर्ड हैं तो इस रिवीजन से आप पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं अब आप लोगों को करना क्या जरा ये देखिए आप लोगों को अब हमारे पास देखिए आज कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज भी हो गया अब हम पे कैश मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन ये तीन बचे हैं जो हम रात को छह बजे वाले सेशन में करेंगे और पूरा एफएम खत्म हो जाएगा आप ये लगाइए तीन दिन के रिवीजन में पूरा एफएम खत्म इससे बेहतर रिवीजन नहीं हो सकता और रिवीजन हवाबाजी वाला नहीं चल रहा कि जी बच्चों को बस कंसेप्ट का लड्डू दे दिया क्वेश्चन नहीं करवाए या एक दो क्वेश्चन बोल दिए कर लेना कोई भी रिवीजन में क्वेश्चन नहीं करवाता हम लोग क्वेश्चन करवाते भी हैं उसके नोट्स भी देते हैं जिससे बच्चा भैया घर पे कट जाए आप जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आप लिख के ले लो जिस भी एग्जाम सेंटर पे जाओ आप इंडिया के अंदर जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे पोस्टिंग का FMSM का पेपर देने आपको सारे बच्चों के हाथों में बूस्टर के प्रिंट आउट मिलेंगे आप जाके सेंटर पे चेक कर लेना पूरे के पूरे सभी लोग एक ही बार में इसी तरीके से चलते हैं तो यहां पर मुझे लगता है ये काम हो गया अब शाम की तैयारी करनी है मुझे भी आप लोग भी इसके क्वेश्चन राइटिंग में करो इवनिंग में छह बजे हम कैश मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन करेंगे क्लियर है शाम को मिलते हैं सभी लोग करके आ जाइएगा ओके जी सभी को टाटा बाय बाय